नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इज इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा इसके बारे में ना एक दो आप थोड़ा सुन लो तो बेटर होगा क्योंकि न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स वालों को थोड़ा सा डाउट आएगा इसमें तो मैं आपको बता दूँ ये बात कि ये जो टॉपिक है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट ये डेरिवेटिव्स में ओल्ड कोर्स में भी हुआ करता था देर वॉज नो लाइक ऐसा नहीं कि उनको नहीं पढ़ाती थी मैं या उनके पोर्शन में नहीं था लेकिन हम डेरिवेटिव्स के अंदर ही उसको पढ़ लेते थे नहीं था ऐसा नहीं है लेकिन न्यू करिकुलम में उन्होंने इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के नाम से एक अलग चैप्टर ऐड किया है आपके इंडेक्स के अंदर में तो जो भी डेरिवेटिव इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर बनते हैं वो सारे हम वहाँ पढ़ते हैं ओके okay? तो बेसिकली जैसे दूसरे जो एसेट्स होते हैं लाइक स्टॉक होता है बॉन्ड होता है या फिर करेंसी होती है उसकी प्राइसेस वो अनसर्टेन होती है फ्यूचर में सिमिलरली इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे फ्यूचर में जाके दिस इज़ ऑल्सो अनसर्टेन बेसिकली ओके सो नाउ आई एम सेइंग इज़ दैट अगर मैं प्रोस्पेक्टिव बोरोअर हूँ इंटरेस्ट रेट से आप क्या कर लोगे दो ही चीज़ होगी या तो आप बोरो कर सकते हो या आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप हैजर हो तो आपको बोरोइंग की एक्चुअल रिक्वायरमेंट आएगी अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट आएगी ओके okay? लेकिन एक और कैटेगरी के भी लोग हैं जिसको बोला जाता है स्पेक्यूलेटर वो लोग बेटिंग करते हैं मुझे लग रहा है ब्याज बढ़ेगा मुझे लग रहा है ब्याज गिरेगा सो दैट इज बेसिकली आई एम बेटिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ द इंटरेस्ट रेट देन आई वुड बी अ स्पेक्यूलेटर अगर कोई बंदा दो मार्केट में इंटरेस्ट रेट के ऊपर आर्बिट्राज करता है एक मार्केट में द रेट्स आर लेस एक मार्केट में द इंटरेस्ट रेट्स आर हाई सो आई कैन ऑलवेज बोरो एट अ लोअर रेट एंड इन्वेस्ट एट अ हायर रेट टू अर्न एन आर्बिट्राज प्रॉफिट ओके सो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट मीन्स डेरीवेटिवस ऑन इंटरेस्ट रेट्स आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता देती हूँ आपको सो बेसिकली एंड ब्रॉडली तीन टॉपिक यहाँ पे कवर होंगे नंबर वन फॉरवर्ड्स ऑन इंटरेस्ट रेट्स देन ऑप्शनस ऑन इंटरेस्ट रेट्स एंड स्वाप्स आपको मैंने अब तक स्वाप्स नहीं पढ़ाया है चार कैटेगरी थी डेरिवेटिव्स की मैंने बोला था आपको शुरू में ही लेकिन मैंने अब तक आपको स्वाप्स नहीं पढ़ाया है स्वाप्स आर डेरिवेटिव्स Which are built on interest rates only. And that is why we have F and O section. Mein wo padha. Okay. And we are going to handle this topic in the chapter which is called interest rate risk management. I guys, I will start with uh, swaps only, and uh, later on we will cover FRAs, that is forward rate agreement, and options on interest rate, that is cap floor, and collar. is broadly up curriculum mein already hai. hai na? तो शुरू कर रही हूँ सॉप्स के साथ हाँ अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि सॉप्स में एग्जैक्टली exactly क्या होता है तो सोप्स का मुझे आज तक मैं 20 साल से फाइनेंस पढ़ रही हूँ मुझे आज तक स्वाप का परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं मिला मे बी ऑफ लेट कुछ साल पहले ही मैंने एक बुक पढ़ी थी ऑफ अ वेरी रेनाउंड प्रोफेसर उस बुक में एक डेफिनेशन दिया हुआ था जो मुझे बहुत पसंद आया था आई शेयर विद दैट डेफिनेशन विथ यू ऑल्सो तो आप मुझसे पूछोगे मैम स्वाप क्या होता है तो अगर जनरल uh, you know, अगर मैं बोलूँ कि मैंने जो पढ़ा है बुक्स में तो स्वाप्स को कैटेगराइज नहीं कर सकते हाँ बट हर स्वाप का बिहेवियर बहुत ही यूनिक होता है तो डिपेंडिंग ऑन द यूनिकनेस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सम मैंने कैटेगराइज कर दिया स्वाप्स बेस्ड ऑन दिस स्वाप्स बेस्ड ऑन दैट एंड सो ऑन सम्स ऑफ दिस टाइप सम्स ऑफ दैट टाइप मतलब बेसिकली सो दैट कि आप एग्जाम में यह समझ पाओ कि ये डेटा सेट इस तरह से आ रहा है तो स्वाप इस तरह से बिहेव करेगा ओके okay? एक दो एग्जाम्पल देती हूँ सॉप्स के फिर अपने आगे जा करके कर के थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर देंगे उसको सपोज करो कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ और सामने एक इंडिविजुअल है मुझे लग रहा है कि मार्केट में ब्याज का रेट ऊपर जाएगा ओके okay? मैं कौन हूँ मैं स्पेक्यूलेटर हुई ओके okay? सामने वाले को लग रहा है ब्याज का रेट नीचे जाएगा यू नो यू माइट बी थिंकिंग कि आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि ब्याज ऊपर जाएगा ब्याज नीचे जाएगा हम बैटिंग कर रहे हैं हम बैटिंग कर रहे हैं ओके तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि देख हर साल अगले पाँच साल तक मैं तेरे को दस परसेंट का ब्याज दूंगी वो मेरे को बोली कि मैं आपको पी एल आर दूंगी पी एल आर इज़ अ फ्लोटिंग रेट जो रेट हर साल या रिक्वायर्ड मेचोरिटी पे रीसेट करी जाती है उसको फ्लोटिंग रेट बोला जाता है तो फ्लोटिंग रेट इज़ अनसर्टेन बिकॉज आज अगर 11 परसेंट है तो अगले साल ही हमें अगले साल की रेट पता चलेगी आज नहीं पता चलेगी लेकिन फिक्स्ड रेट हमें पहले से पाँचों साल के लिए फिक्स हो चुकी है वो फ़र्क है दोनों में ओके तो मुझे मैंने बोला अपनी फ्रेंड को कि मैं तेरे को दस का ब्याज दूंगी वो मुझे बोली फ्लोटिंग दूंगी ये ध्यान रखना साथ में कि अगर मुझे ब्याज देना है और मुझे अगर ये लग रहा है कि ब्याज ऊपर जाएगा तो आई विल प्लान और आई विल प्रेफर टू पे फिक्सड अगर किसी आदमी को ये लगता है कि ब्याज का रेट नीचे जाएगा और उसको अगर ब्याज देना है तो सामने वाला पर्सन प्रेफर अ फ्लोटिंग रेट नीचे जाएगा तो पैसे कम देने पड़ेंगे ऊपर जाएगा तो फिक्स देंगे सो देट कि हमारा ब्याज ऊपर ना जाए दैट्स अ लॉजिक तो हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए ओके okay? मैं दस परसेंट फिक्स दे रही हूँ और वह मुझे हर साल पी देगी एक साल खत्म हो जाता है अगले साल रेट टर्न अप होती है ग्यारह परसेंट की ऑन अ नोशनल प्रिंसिपल ऑफ रुपी वन लैख ओके नोशनल वर्ड क्यों यूज किया है दो तो मिनट के बाद बताती हूँ तो एक साल के बाद मुझे उसको दस हजार रुपये देने हैं और उसको मुझे ग्यारह हज़ार देने हैं लेकिन अगर हम सेम कंट्री में रहते हैं तो क्या मुझे दस हज़ार देना चाहिए और उसे ग्यारह पूरे लेने चाहिए कि उसे नेट एक हज़ार लेना चाहिए नेट एक हज़ार लेना चाहिए, चाहिए। दूसरी बात योर क्वेश्चन कुड be, मैम आप एक दूसरे से ब्याज क्यों एक्सचेंज कर रहे हो ना तो आपने उसको लोन दिया है ना उसने आपको लोन दिया है बिल्कुल सही बात लेकिन क्योंकि हम एक कंट्री में रहते हैं तो मैं उसको एक लाख रुपया दूंगी और वो मुझे एक लाख रुपया लोन पे देगी क्या ज़रूरत है कॉन्ट बी इमेजिन दैट एज नोशनल वी कैन सो वेन द सॉफ्स विल हैपन इन द सेम कंट्री द प्रिसिपल विल बी नोशनल एंड इंटरेस्ट ऑब्लीगेशन वुड बी नेटेड ऑफ दिस वॉज सॉफ्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्यूलेशन ओके मैंने एक सम कॉन्सेप्ट टाइप किया यहाँ पर मेरे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपने मैंने अब तक आपको ये नहीं बताया कि सॉप क्या होता है एग्जाम्पल की मदद से ही आप सीख पाओगे एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलती हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको हर साल दस परसेंट देती हूँ और आप मुझे हर साल बारह परसेंट दे दो अगर ऐसे अपन अगले पाँच सालों तक करते हैं विल यू अग्री टू डू दैट नोबडी वुड अग्री जिसको थोड़ा भी फाइनेंशियल सेंस है वो कभी अग्री नहीं करेगा क्योंकि क्यों करेगा द क्वेश्चन इज कि क्यों करेगा इसका एक मतलब निकलता है कि इन ऑर्डर टू सॉप टू हैपन देर आर टू लेग्स कंपल्सरी वन लेग शुड बी फिक्सड वन लेग शुड बी फ्लोटिंग बोथ द लेग्स कैन बी फ्लोटिंग बट बोथ द लेग्स कैन नेवर बी फिक्स्ड पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ओके okay. नाउ ये जेनरिक स्वॉप हुआ इसका ये भी मतलब हुआ कि स्वॉप के ट्रांजैक्शन में एक एलिमेंट अनसर्टेन रहना जरूरी है वरना कोई ट्रांजैक्शन क्रिएट ही नहीं हो पाएगा ओके okay? तो एक लेग फिक्स और एक लेग फ्लोटिंग डिपेंडिंग ऑन व्हाट दैट फ्लोटिंग लेग टर्न्स आउट टू बी द मनी वुड बी एक्सचेंज बिटवीन द टू पार्टीज दैट्स हाउ इट मूव्स ओके नाउ आगे बढ़ रही हूं मैं मैंने लिखा है यहां पे स्वॉप के बारे में A swap is an agreement between two parties, yeah, two companies, whatever, to exchange cash flows in future. Because the agreement defines the dates when the cash flows are to be paid and the way in which they are to be calculated. Usually, the calculation of the cash flows involves the future value of an interest rate, an exchange rate, or other market variable. These saree of financial variables like exchange rate, interest rate, stocks, bonds. इन सबका आउटकम अनसर्टेन है जिसका आउटकम सर्टेन होगा उस पर डेरिवेटिव बनेगा ही नहीं सिमिलरली इन ऑर्डर टू सॉप टू हैपन वन लेग हैज टू बी अनसर्टेन विच आर वी आर कॉलिंग एज फ्लोटिंग अगर दोनों सर्टेन होंगे तो स्वॉप का मतलब क्या होगा कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा ओके okay, तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया गाइस वो बहुत बेसिक फॉर्म ऑफ एग्जांपल था मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ कि कैसे अपने को इन जनरल लिखना होता है ओके okay, सपोज मैंने क्या बोला कि ए और बी दो पार्टीज हैं ए और बी दो पार्टीज हैं ए प्रामिसज टू पे बी टेन परसेंट फिक्सड एंड बी प्रोमिसज टू पे फ्लोटिंग पी एल आर सपोज इफ़ पी एल आर इज़ इक्वल टू इलेवन परसेंट देन बी पेज ए सपोज़ एक साल का हिसाब है तो एक साल के बाद बी पेज ए इलेवन परसेंट माइनस टेन परसेंट द होल इन टू रुपीज वन लैख वन लैख का प्रिंसिपल नोशनल मैंने अज्यूम किया है विल बी इक्वल टू रुपीज वन थाउजेंट मतलब सेटलमेंट करने के लिए साल के अंत में बी ए को एक हजार रुपया पे करेगा और वो पूरा सेटल हो जाएगा ओके दिस इज हाउ इट शुड मूव एक्चुअली ओके आगे बढ़ रही हूं मैं इसका सम गाइस ओल्ड कोर्स के प्रैक्टिस मैनुअल में एक दिया हुआ है जो कि सबसे पहला सम था पेपर में आया था वो मैंने सम यहाँ नहीं लिया बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल एग्जांपल एंड आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट टाइम अननेसेसरी डूइंग दैट मे बी आई कैन टेल यू वो सम कहाँ पे है मे बी लेटर ऑन राइट लेट्स कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच आई हैव टाइप्ड हियर लेकिन उसके भी पहले मैं आपको दो तीन वेरायटी बता देती हूँ कि अपन क्या क्या सॉप की वेराइटीज़ होती है लाइक फॉर एग्जाम्पल सम्स बेस्ड ऑन स्पेक्यूलेशन जो मैंने अभी करवाया आपको या डिस्कस किया बेस्ड ऑन स्पेक्युलेशन स्वॉप्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज And comparative advantage, then overnight indexed swap or OIS swaps स्वॉप्स एंड करेंसी स्वॉप्स ठीक है ना मैंने इन तीनों पे प्रॉपर सम लिया आपके लिए ओके okay? तो स्वाप्स बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन मैंने आपको समझाया वर्बली समझाया और आपको दिखाया कि डायग्राम में कैसे ये स्वाप ऑपरेट uh, करेगा तो कोई भी तरह की डिफ़िकल्टी नहीं है वो लोग आपको अगर दो तीन साल का ब्याज का रेट देते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने दिया होता कि ईयर टू में ब्याज का रेट एट परसेंट हो गया तो मुझे मैं फिक्स दे रही हूँ तो मुझे दस हज़ार देने हैं और आपको मुझे आठ हज़ार देने हैं तो मैं मुझे ज़्यादा ज़्यादा मुझे ज़्यादा देने हैं तो मैं आपको दो रुपया दे दूँगी बस इसी तरह से ये चलता जाएगा तीन चार रेट देंगे वो लोग और आपको अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना है ओके इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला सम कैटेगरी होगा सो ऑफ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कंपेरेटिव एडवांटेज लेट्स सी ओके ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर एग्जाम में ऑलरेडी सम आ चुका है राइट right? मैंने एक बहुत नॉर्मल uh, सा सम लिया है मैं पहले आपको इसका समझाती हूँ कि सम कैसे आगे बढ़ेगा ओके okay. uh, Swap based on the concept of absolute advantage. एंड कंपेरेटिव एडवांटेज एग्जाम्पल लेती हूँ सिंपल सा ए और बी दो पार्टीज हैं ओके फिक्स्ड में मार्केट में ब्याज फ्लोटिंग में मार्केट का ब्याज और प्रेफरेंस ए अगर पैसा बोरो करने जाता है तो फिक्स में उसको 10 परसेंट चार्ज किया जाता है और फ्लोटिंग में एल प्लस वन लाइवॉर ओके फिक्स में अगर बी जाता है तो उसे 13 परसेंट चार्ज किया जाता है और यहाँ पे उसे एल प्लस टू चार्ज किया जाता है ओके वन परसेंट इसकी प्रेफरेंस है फ्लोटिंग और इसकी प्रेफरेंस है फिक्स्ड ओके okay? नाउ अगर ए अगर ए अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जाता है तो उसको चार्ज किया जाएगा एल प्लस वन और बी को चार्ज किया जाएगा थर्टीन टोटल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हो जाएगा वॉट एल प्लस फोर्टीन मतलब अगर ये लोग खुद से पैसा बोरो करने जाते हैं तो उसको चार्ज किया जाएगा एल प्लस फोर्टीन ओके लेकिन अगर हम ऐसा कुछ करा दें कि ए से हम बी के लिए बोरो करा दें दस पे और बी से हम ए के लिए बोरो करा दें एल प्लस टू पे तो आपको पता है टोटल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितना होगा एल प्लस बारह पूरे गेम में दो परसेंट बच गया क्योंकि एल प्लस फोर्टीन बिना स्वाप के और एल प्लस ट्वेल्व स्वप के साथ दो परसेंट बीच में बच गया अगर ये दो परसेंट ये लोग दोनों आधा आधा बांट लें तो इनका जो कॉस्ट है वो वन वन परसेंट से कम हो जाएगा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर ए होगा एल प्लस वन माइनस वन एल और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर बी होगा थर्टीन माइनस वन ट्वेल्व ओके तो मैं आपको समझाती हूं कि क्या है ये ओके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विदाउट स्वॉप तो प्रेफरेंस के हिसाब से 13 लगेगा बी का और एल प्लस वन लगेगा ए का तो एल प्लस फोर्टीन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विथ स्वॉप ए बोरो करेगा बी के लिए टेन पे और बी बोरो करेगा ए के लिए एल प्लस टू के लिए और वो हो जाएगा एल प्लस बारह क्वालिटी डिफरेंशियल क्रेडिट क्वालिटी डिफरेंशियल आपने गाइस मुझसे पूछा नहीं कि मैम आखिर ऐसा क्यों है कि ए को कम चार्ज किया जा रहा है और बी को ज्यादा चार्ज किया जा रहा है क्रेडिट क्वालिटी का फर्क है की क्रेडिट रेटिंग मार्केट में ज्यादा अच्छी है बी की क्रेडिट क्वालिटी रिलेटिवली कम है ओके सो क्वालिटी डिफरेंशियल विल बी l प्लस माइनस एल प्लस ट्वेल्व टू परसेंट ओके अगर दोनों बराबर बांटते हैं शेयर को तो क्या हो जाएगा शेयर ऑफ ए वन परसेंट शेयर ऑफ बी अगेन वन परसेंट ओके एंड कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ ए विथ स्वॉप मतलब स्वाप के साथ एक का कॉस्ट क्या आ रहा है तो वो आएगा एल प्लस वन ये वाला अगर खुद से करता तो एल प्लस वन पे होता और वन परसेंट की बेनिफिट के बाद आपको लग रहा होगा कि एल प्लस वन पे तो बोरोइंग ही नहीं हुई है मैंने क्या लिखा है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पोस्ट स्वाप मतलब इफेक्टिव कॉस्ट सब देने लेने के बाद कितना पड़ेगा क्योंकि वैसे भी को कोई इतनी पड़ी भी नहीं है ओके okay? बिकॉज उसका दोनों में मार्केट में रेट अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी उसको रिलेटिवली गरज है मैं रॉजी बताऊंगी उसका तो गैस खुद के कॉस्ट के नीचे वो नहीं जाएगा तब तक वो सॉप के लिए रेडी नहीं होगा ओब्वियस ही बात है बी के लिए सॉप कभी नहीं करेगा उसको खुद को भी थोड़ा फायदा होना चाहिए सो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ बी With swap, this will be थर्टीन minus वन equal to ट्वेल्व परसेंट आपको तुरंत लॉजिक बताती हूँ एक सेकंड देना मुझे आप ओके okay? ना आप इमेजिन करो एक बात कि सपोज कि आपको एक ड्रेस पसंद आ गई ओके okay? और आपको पता चला कि मैम को मैम को भी वही ड्रेस पसंद है सम हाउ यू नो काइंड ऑफ तो अगर मैं वो ड्रेस ख़रीदूँ ना तो मुझे सौ रुपये में पड़ती है और अगर आप वो ड्रेस ख़रीदो तो आपको वन फिफ्टी में पड़ती है पॉसिबल है बहुत ज़्यादा तो अगर मैं अपने लिए ड्रेस खरीदूँ और आप भी अपने लिए ड्रेस ख़रीदो तो कितने पैसे जाएंगे टू फिफ्टी जाएँगे आपको कहीं से पता चल गया कि अगर मैम सस्ते में लाती है ड्रेस तो मैम को कम दाम में मिल जाएगी राइट तो आपने मुझे बोला कि मैम आप जब भी बाजार जाओगे ना आप मेरे लिए भी एक ड्रेस लेके आना मैं मैंने बोला ठीक है तो मैं बाजार गई और मैंने आपके लिए एक ड्रेस ले ली तो कितने पैसे गए दो सौ स्टेप्स चेक करते जाना ये देखो ये 250 हो गया ना ये 250 हो गया और ये 200 हो गया बचा कितना गेम में पूरा पचास रुपया फिफ्टी रुपीज़ बच गया अब मैंने सोचा कि जो पचास रुपये बचे हैं बेनिफिट है उसको आधा आधा बांट लेते हैं ठीक है पच्चीस पच्चीस आपके और मेरे बीच में बढ़ गया अभी दो सौ रुपये की दोनों ड्रेस हैं और मैंने आपको चार्ज कर दिया 125 आपको लगा क्यों कि मैंने 100 में खरीदा है तो मैं आपको 100 में पास ऑन करूंगी मैंने आपको चार्ज किया 125 तो 200 तो टो टोटल लगे थे और 125 मैंने आपसे ही ले लिया तो मेरी ड्रेस का कॉस्ट कितना हो गया 75 सो लुक एट हियर ये दिस इज 25 25 कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ ए विद स्वॉप तो एल प्लस कितना है आपका हंड्रेड हंड्रेड मेरा कॉस्ट पहले कितना था हंड्रेड माइनस क्या आएगा आपका 75 मेरा कॉस्ट पहले कितना था 150 फिफ्टी माइनस ट्वेंटी फाइव तो सब देने लेने के बाद द कॉस्ट विल बी एल एंड 12 परसेंट दिस इज अ शॉर्टकट टू कैलकुलेट द फाइनल आंसर क्विकली ओके सो दीज आर फाइव स्टेप्स इससे ज़्यादा डिटेलिंग करने की हमको जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी ओके आई होप यू अंडरस्टूड इस सिचुएशन को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से एक्सप्लेन करते हैं कैसे आपको सुन लेना A is enjoying an absolute advantage in both the markets, but A is enjoying a comparative advantage in fixed rate market. A दोनों में अच्छा है but ज़्यादा अच्छा है कहाँ Fixed में B दोनों में खराब है but कम खराब है कहाँ Floating में अगर आपको नहीं समझी मेरी बात तो आप चेक करो कि difference थ्री का और वन का है ओके okay? तो थ्री से ए बेटर है और फ्लोटिंग में ए वन से ही बेटर है ओके okay? तो अपन बोल सकते हैं ना कि ए ज्यादा बेटर फिक्स में है और बी थोड़ा सा बेटर है फ्लोटिंग में यही लैंग्वेज को कैसे बोलेंगे ए इज एंजॉइंग एन एब्सोलुट एडवांटेज इन बोथ द मार्केट्स बट इट हैज गॉट अ कम्पेरेटिव एडवांटेज इन द फ्लोटिंग फिक्स रेट मार्केट बी इज एंजॉइंग नॉट एनजॉइंग रादर एब्सोलुट एडवांटेज इन ईदर ऑफ द मार्केट बट इट इज एंजॉइंग कंपेरेटिव एडवांटेज इन द फ्लोटिंग रेट मार्केट ओके द थ्योरी सेज दैट इफ देर इज अ सिचुएशन लाइक दिस देन बोथ द पार्टीज शुड बोरो इन द मार्केट ऑफ देयर कंपेरेटिव एडवांटेज एंड स्वाप विथ ईच अदर टू रेड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंडिंग ये लॉजिक है किसी ने मुझसे ये पूछा कि मैम ऐसे क्यों नहीं कर सकते प्रेफरेंस ये कि फ्लोटिंग क्यों है वो तो अच्छा फिक्स में है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते एक किस सिचुएशन में पहले से फंसा हुआ है ये हमें पता नहीं है उसके लिए फ्लोटिंग ही शायद अप्रोप्रिएट है इसलिए वो मांग रहा है और एक बात और भी सुनो आप अगर इस सम के अंदर में ए इज़ एंजॉइंग अ कम्पेरेटिव एडवांटेज इन द फिक्स रेट मार्केट और उसकी प्रेफरेंस भी फिक्स्ड होती तो वो बी के पास जाएगा ही क्यों स्वाप की जरूरत ही क्यों पड़ेगी वो जिसमें अच्छा है वही उसको चाहिए बात ख़त्म हो गई बी जिसमें रिलेटिवली अच्छा है उसको वही चाहिए तो सॉप का सम ही नहीं बनेगा ना इसके लिए ज़रूरी है कि मैं जिसमें अच्छी हूँ मेरी रिक्वायरमेंट वो नहीं आप जिसमें अच्छे हैं मेरी रिक्वायरमेंट वो होनी चाहिए ताकि मैं आपका काम करूँ और आप मेरा काम करो दैट इज़ द लॉजिक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली ओके सो लेट्स गो हैड क्विकली एंड सी एस सम कंपनीज ए एंड बी हैव द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट लुक एट हियर, आई वुड ऑलवेज से दैट कि अगर सम का प्रेजेंटेशन मैंने जो अभी आपको लिख के कराया सम वो प्रेजेंटेशन बहुत ही कंफर्टेबल प्रेजेंटेशन uh, होती है समझने के लिए बिकॉज ए बी फिक्स्ड, फ्लोटिंग प्रेफरेंस नीचे डिफरेंस आता है दिखता है पूरा का पूरा आंसर तो अगर प्रेजेंटेशन कंफर्टेबल नहीं है तो आप प्लीज प्रेजेंटेशन को चेंज करो बेटर होता है ओके okay? फिर लिखा है अज्यूम दैट ए वॉन्ट्स टू बोरो यू एस डॉलर्स एट ए फ्लोटिंग रेट of interest and b wants to borrow canadian dollars at fixed rate of interest a financial institution is planning to arrange a swap and requires 50 bps spread if the swap is equally attractive to a and b what rates of interest a and b end up paying maine samay thoda sa you know kind of extra information dali hai maine beech mein intermediary dal diya kyun अगर सपोज करो कि आप और मैं एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते तो कोई इंटरमीडियरी बीच में होगा लेकिन वो फ्री में हमारे लिए काम नहीं करेगा वो मार्जिन में जो बचेगा पैसा उसमें से कुछ हिस्सा उसको जाएगा और जो बच जाएगा वो आपको और मेरे बीच में शेयर करना पड़ेगा डिपेंड करता है कि मेरी और आपकी बार्गेनिंग पावर में ज़्यादा पावर किसके पास है अगर बराबर है तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन और ऊपर नीचे है तो अकॉर्डिंगली सब में वो दिया हुआ होगा अगर कुछ भी नहीं दिया तो बराबर बांट लेना ओके लुक एट हियर नाउ पर्टिकुलर्स में और भी मैंने लिखा है यहाँ पर कैनेडियन फिक्स्ड रेट यू कैन सी दैट इट इज़ वन पॉइंट फाइव परसेंट का यहाँ पे डिफरेंस आया यहाँ पे पॉइंट फाइव का ए की प्रेफरेंस फ्लोटिंग है और बी की प्रेफरेंस फिक्सड है मैं वापस बोल सकती हूँ ए इज एंजॉइंग एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ द मार्केट्स बट इट इज एंजॉइंग अ कम्पेरेटिव एडवांटेज इन कैनेडियन फिक्सड रेट बी इज नॉट एन्जॉइंग एन एब्सोल्यूट एडवाटेज इन ईदर ऑफ द मार्किट्स बट इट इज एंजॉइंग अ कम्पेरेटिव एडवाटेज बी दोनों में खराब है कम खराब है फ्लोटिंग में ओके तो डिफरेंस 1.5 और 0.5 का आया ठीक है मैंने फिर से लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विदाउट स्वॉप, अगर स्वॉप नहीं हुआ तो प्रेफरेंस के हिसाब से दोनों जाएंगे तो प्रेफरेंस में एल प्लस पॉइंट फाइव ए के लिए सिक्स पॉइंट फाइव बी के लिए एल प्लस सेवन अगर स्वाप होता है तो ए बी के लिए बोरो करेगा पाँच पे और बी बोरो करेगा एल प्लस वन पे A के लिए तो यह आएगा एल प्लस सिक्स परसेंट डिफरेंशियल आएगा वन परसेंट का अब वन परसेंट का मतलब होता है हंड्रेड बी पी एस हंड्रेड में से फिफ्टी बीपीएस इंटरमीडियरी रिमेनिंग ट्वेंटी फाइव बीपीएस ईच पॉइंट टू फाइव परसेंट ईच विल बी शेड बिटवीन ए एंड बी ओके ना इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ ए विथ सॉप विल बी एल प्लस पॉइंट फाइव माइनस पॉइंट टू फाइव एल प्लस पॉइंट टू फाइव अगर इंटरमीडियरी नहीं होता तो बहुत अच्छा होता बिकॉज वो जो पचास बी चले गए ना वो भी हमें ही इन्जॉय करने को मिलता बट इट इज़ ओके इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट टू मैचिंग पार्टीज ऑलवेज और ये लीगल है इसलिए बैंक्स ये काम अरेंज करके देती है क्योंकि वैसे भी ए और बी दोनों बैंक के पास क्लाइंट हैं तो बैंक को पता है कि इन दोनों का प्रॉब्लम क्या चल रहा है इंडिपेंडेंटली पता है और उन दोनों को साथ लाने में बैंक मदद करेगी अगर आप एक दूसरे को जानते हैं तो नथिंग लाइक इट तो आपका uh, जो इंटरमीडियरी को आपने ब्रोकरेज दी है या कमीशन दिया है या शेयरिंग करी है वो आपका बच जाएगा सो डोंट हैव टू है अबाउट दैट ओके आई होप गाईज यू अंडरस्टूड एक और सम है इस केस में इन द प्रैक्टिस मैनुअल ऑफ द ओल्ड कोर्स अगेन आई थिंक आई एम गिविंग यू लॉट ऑफ वर्क एक्चुअली तो वो सारे सम्स मैंने ऑलरेडी अपने रेगुलर बैचेस वाले बच्चों को और 80 आवर्स के फास्ट ट्रैक वाले बच्चों को भी मैंने कराया है वो सारे सम्स इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा फोकस कर रही हूँ ताकि आपके रिवीजन हो जाए बट मैं बताती जाऊँगी आपको कहाँ कहाँ से सम उठाना है इस कैटेगरी में भी एक सम है आ, मैं आपको बता देती हूँ कहाँ मिलेगा आपको फॉरन एक्सचेंज चैप्टर में शायद मिलेगा और वो येन और डॉलर करके सम होगा आपको दिमाग नहीं लगाना है हेडिंग लेना येन डॉलर डिफरेंस क्वालिटी डिफरेंशियल निकाल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी सम अलग तरह से मूव कर रहा है ओके okay, तो जाके चेक करो इसी तरह से सम करोगे सम हो जाएगा आपका ओके okay? एक और कैटेगरी बच गई है आ, राधर दो कैटेगरी बची हुई हैं बट एक कैटेगरी जो मुझे पता नहीं एग्जाम में इतना ज़्यादा आई एम नॉट श्योर टू मच कि ये क्यों नहीं आया अब तक बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी ओबियस कैटेगरी टू बी आस्ड इन द एग्जाम द नेम ऑफ द स्वॉप इज स्वॉप एंटर्ड इन टू फॉर प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ एसेट और लाइबिलिटी पोजिशन यह सम को मैं आगे बढ़ाऊं इसके पहले मुझे आपको दो तीन चीजें क्लैरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ओके okay? सो so वो पहले प्रोवाइड करते हैं स्वाप्स एंटर्ड इन टू

एक घर के लिए लोन लिया था वन सी का ओके तो अभी मैं एस को ऑलरेडी चौदह परसेंट फोर्टीन परसेंट का ब्याज दे रही हूँ फिक्स में क्यों मैंने फिक्स में अग्री किया होगा बिकॉज मुझे लगा कि ब्याज बढ़ेगा तो मैंने फिक्स में बात कर ली एक करोड़ का लोन ले लिया और चौदह परसेंट का ब्याज दे रही हूँ एक मान लो दो साल हो गए आठ साल का लोन अभी बाकी है तो मैं कौन हूँ मैं ए हूँ मैं क्या दे रही हूँ मैं फोर्टीन फिक्स्ड दे रही हूँ राइट अब मार्केट में ब्याज का रेट गिरने वाला है या गिर रहा है ओके okay? तो मुझे लग रहा है अरे यार मेरा तो फंस गया इसमें बिकॉज मेरे को ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं तो मैं जाती हूँ सिटी बैंक के पास और सिटी बैंक को बोलती हूँ कि मैं क्या करूँ ओके okay? तो सिटी बैंक बोलता है कि वो जो लोन है एस के साथ में वो तुम रहने दो ऐसे ही उसको कोई भी डिस्टर्बेंस मत करो और तुम एक काम करो तुम मेरे साथ, साथ एक शॉप में एंटर कर जाओ यू माइट बी थिंकिंग कि सिटी को क्या लालच है इसमें सिटी का बहुत बड़ा लालच है इसके अंदर में मैं आपको दो मिनट के बाद बताऊंगी पहले ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो तो सिटी बोलता है आप स्वाप में एंटर कर जाओ ओके okay? अब स्वाप में एंटर करने का मतलब ये होता है कि मैं सिटी को कुछ दूंगी और सिटी भी मुझे कुछ देगा देना ही पड़ेगा बिकॉज स्वाप ट्रांजेक्शन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट मैं आपको कुछ दूंगी तो आपको भी मुझे कुछ जरूर देना पड़ेगा वरना उस ट्रांजेक्शन को स्वाप नहीं बोला जाएगा तो ए विल गिव टू सिटी एंड सिटी विल गिव समथिंग टू मी फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग नेचुरली ब्याज का एक्सचेंज होगा आपको मुझे ये बताना है कि मुझे सिटी को क्या देना है मेरा मन क्या है मेरा मन है अब फ्लोटिंग ब्याज पे करने का आप बताओ प्लीज मैं सिटी को क्या दूँ मैं सिटी को फ्लोटिंग देती हूँ ना मैं लाइव देती हूँ सपोज करो या पीएलआर देती हूँ तो मैं सिटी को लाइव देती हूँ सिटी सपोज करो कि मुझे बदले में फोर्टीन परसेंट ही वापस कर देता है तो क्या होगा माई कॉस्ट विल बी एल ओनली चौदह आया चौदह गया माई कॉस्ट विल बी लाइबॉर अज्यूम करो सिटी ने मुझे चौदह नहीं दिए मुझे बारह दिए तो बारह आया चौदह गया दो घर से गया और एल तो मैं दे ही रही हूँ तो एल प्लस टू विल बी माई फ्लोटिंग कॉस्ट कम या ज़्यादा की बात नहीं हो रही है बात हो रही है मैं चाहती थी अपने फिक्स्ड रेट को फ्लोटिंग में कन्वर्ट करना ओके तो यहां पे मुझे सपोज सिटी इज पेइंग में 12% परसेंट सो माय कॉस्ट विल बी 14 प्लस एल माइनस ट्वेल्व इक्वल टू व्हाट? एल प्लस टू सो विद द हेल्प ऑफ स्वॉप यू कैन कन्वर्ट योर फिक्स्ड लाइबिलिटी इनटू फ्लोटिंग एंड फ्लोटिंग लाइबिलिटी इनटू फिक्स्ड इसलिए हेडिंग क्या आ रही है swaps entered in order to have a preferred form of borrowing or investment। यानी कि स्वॉप होने के लिए हमको गलत सिचुएशन में रहना जरूरी है इतनी सारी बातें करने के बाद अब मैं आपको स्वॉप के बारे में बोलूँगी कि स्वॉप क्या होता है तो सबसे पहली चीज स्वॉप का लिटरल मीनिंग होता है एक्सचेंज जहाँ पे आप कुछ मुझे दोगे और मैं आपको रिटर्न भी कुछ करूँगी ऐसा कभी नहीं होगा कि आप मुझे दोगे मैं आपको नहीं दूंगी या वाइस वर्षा कंपल्सरिली एक्सचेंज यहां पे क्या एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू इन ऑर्डर टू सॉप टू हैपन वन ऑफ द लेग मस्ट बी फ्लोटिंग बोथ कैन बी फ्लोटिंग बोथ कैन नेवर बी फिक्स्ड ओके नंबर थ्री मैंने जो आपको बोला ना डेफिनेशन आपको मैं बताऊंगी द नेम ऑफ द प्रोफेसर इज पी जी आप्टे एट आई एम बैंगलोर मैंने बहुत दिन तक सॉप्स में बहुत पढ़ाई करी है बट एक होता है ना कि एक डेफिनेशन मुझे काश मिल जाए जो मुझे यहाँ पे टच करे बिल्कुल राइट right? तो मुझे आज तक दिखा नहीं अभी दो चार साल पहले uh, मुझे एक डेफिनेशन और जब से मैंने देखा मैं बच्चों को लिखवा रही हूँ वो डेफिनेशन वो डेफिनेशन ये बोलता है कि अ स्वाप इज नेवर एंटर्ड इन टू फॉर ओरिजिनल फंडिंग और इन्वेस्टमेंट फंडिंग का मतलब होता है बोरोइंग ओरिजिनल फंडिंग और इन्वेस्टमेंट स्वाप इज ऑलवेज एंटर्ड इन टू इन ऑर्डर टू मेक प्रेजेंट सिचुएशन बेटर मतलब स्वाप की मदद से आप बोरो या इन्वेस्ट नहीं करते ओके okay? आपकी सिचुएशन में कोई गलती है या तो गलती हो चुकी है या आप गलती करोगे ओके okay? और उस गलत सिचुएशन को स्वॉप की मदद से आप ठीक करोगे अ स्वॉप इज नेवर एंटर्ड इन ऑर्डर टू बोरो और इन्वेस्ट इट इज ऑलवेज एंटर्ड इन टू इन ऑर्डर टू मेक द प्रेजेंट सिचुएशन बेटर ओके तो ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया है इसमें मैं गलती कर चुकी थी जो सम मैं आपको कराने वाली हूं मैं उसमें दो चीजें हैंडल करना चाहती हूँ नंबर वन सिटी का क्या लालच है वो आपको पता चलना चाहिए वरना आप रिलेट नहीं कर पाओगे नंबर टू गलती करके और फिर ठीक करना वो भी नहीं समझा हमें और सिटी कोटेशन कैसे प्रोवाइड करता है ये सारी चीजें डिस्कस पहले होनी चाहिए एंड देन वी कैन गो हैड अबाउट द सम तो सबसे पहले ये देखते हैं सिटी बैंक स्वॉप का कोटेशन कैसे देगा हमें ओके okay? तो मैं यहां पे लिख रही हूं कुछ तो भी आ, थोड़ा लिख के करेंगे ना अपन जो चीज मुश्किल है तो बेटर रहेगा राइट तो स्वॉप कोटेशन सिटी बैंक कोट्स फिक्स्ड टू Floating swap at thirty slash forty BPS basis points over five year treasuries. वर्सेस labor फाइव ईयर्स ट्रेजरीज आर कोटिंग टेन परसेंट मैं बोल रही हूं इंटरप्रेट द कोर्ट मैं ये बोल रही हूं राइट right? इसका क्या मतलब हुआ कैसे कोर्ट को इंटरप्रेट करेंगे इसका यह मतलब हुआ सिटी बैंक कोट कर रहा है थर्टी स्लैश फोर्टी बी पी एस ओवर फाइव ईयर ट्रेजरीज और पांच साल के ट्रेजरी का रेट ट्रेजरी का मतलब होता है सरकार की रेट टेन पॉइंट थ्री टेन पॉइंट फोर सो टेन पॉइंट थ्री जीरो टेन पॉइंट फोर जीरो टेन पॉइंट फोर जीरो वर्सेस लाइबॉर इसका मतलब क्या हुआ सिटी आ गया बीच में और यहाँ पे आ गया ए तो आपने सिटी को बोला कि मैं आपको फिक्स देना चाहता हूँ स्वॉप है ओके okay? और ये हो गया वापस तो आपने सिटी को बोला कि मैं आपको फिक्स देना चाहता हूँ ओके okay? तो सिटी कौन सी रेट लेगा ज़्यादा वाली रेट लेगा नेचुरली तो टेन पॉइंट फोर सिटी बदले में आपको वापस करेगा लिबोर और यहाँ पे सपोज बी एक और पार्टी आती है ओके okay. और वो बोलता है कि मुझे आपको लाइबोर देना है फ्लोटिंग देना है तो फ्लोटिंग लेगा मगर सिटी बदले में फिक्स देगा बट कम वाली रेट देगा टेन पॉइंट थ्री जीरो आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट सिटी इसमें टेन बी का मार्जिन बनाएगा ये सिटी का धंधा है ये प्रोडक्ट है उसका इफ सिटी गेट्स इक्वल डील ऑन बोथ साइड्स इट विल एंड अप मेकिंग टेन बी स्प्रेड नोटिस करो कोटेशन सिर्फ फिक्स के लिए है फ्लोटिंग के लिए कोई भी कोटेशन नहीं है ओके सो लाइव और आया लाइव और गया 10.4 आया 10.3 गया बीच में बच गया 10 बी हम अज्यूम करते हैं दैट सिटी गेट्स इक्वल डील ऑन बोथ साइड्स देयर बाय एंडिंग अप अप्रेड ऑफ स्प्रेड बी 10 एस ओके okay, ये एक डिस्कशन हुई बिकॉज जो सम कराऊंगी उसमें ये एडजस्टमेंट आएगी तो आपको आना चाहिए ये चीज़ अगला मैंने आपको ये भी बोला था अभी दो मिनट पहले कि या तो मेरी गलती हो चुकी होगी उसका एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ मैं गलती कर चुकी थी और मेरा मन था मन बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे ओके मेरा मन था कि मेरी फिक्स्ड लाइबिलिटी फ्लोटिंग में कन्वर्ट हो जाए ओके सिटी के साथ स्वप करके मैंने अपनी लाइबिलिटी को फ़िक्स से फ्लोटिंग में कन्वर्ट किया नोटिस करो एक बात को इधर के ट्रांजेक्शन को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है एक पैरल ट्रांजेक्शन बनाया है और नेट ऑफ करने से फ्लोटिंग में आंसर आया है ओके okay? आगे तो एक और सिचुएशन हो सकती है वेयर मैं पहले गलती करूंगी जान के और उस गलती को हम ठीक करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्वॉप ऐसा करने से मुझे क्या फायदा होगा यह आपको मैं सम में बताऊंगे जस्ट वेट फॉर टू मिनट्स सो लेट्स कम टू द सम नाउ लिमिटेड वॉन्ट्स टू बोरो लिखा है स्वॉप सेंटर्ड इनटू

और बोला फ्लोटिंग में बोरो करना है रेट बताओ आई सी आई सी आई डी एफ सी सिटी बैंक कहीं भी गया उसने बोला कि आप एल प्लस टू पॉइंट फाइव पर कर सकते हो ओके इट कंसिडर्स द इंटरेस्ट रेट्स टू बी टू हाई बोला कि मुझे तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लग रहा है राइट right? तो वो क्या बोल रहा है कि अगर तुमको एल प्लस टू पॉइंट फाइव ज़्यादा लग रहा है तो तुम एक काम करो तुम फिक्स में ले लो ग्यारह पे ले लो उसको फिक्स में लेना नहीं है अभी प्रॉब्लम हो गई एल प्लस टू पॉइंट फाइव जो उसका ज्यादा लग रहा है और फिक्स में उसको पे लेना नहीं है इट नॉट टू बोरो एक बैंक के पास में गया मांगने के पास गया एडवाइस मांगने लिए कि क्या करूं अभी बैंक ने बोला कि एक काम कर उससे तो ग्यारह में ले ले बोला मैं ग्यारह में क्यों ले लू मुझे तो फिक्स चाहिए ही नहीं मुझे तो फ्लोटिंग चाहिए बोला नहीं तो गलती कर तो वो जानबूझ के एल प्लस टू पॉइंट फाइव पे बोरो नहीं करेगा वो जान बुझ के ग्यारह फिक्स पे वॉर करेगा गलत सिचुएशन बना ली उस गलत सिचुएशन को वो ठीक करेगा सॉप में दैंक कोट फिक्स वर्सेज लिबॉर्स ओवर फाइव ईयर ट्रेजरीज वर्सेज लाइबॉर फाइव ईयर ट्रेजरीज आर प्रेजेंटली रेट बन गई नाइन परसेंट के ऊपर नाइन पॉइंट थ्री एंड टेन पॉइंट थ्री

अभी सपोज करो कि ए है एक्स है का नाम ठीक है थीके? इसका मन कर रहा है बोरो करने का फ्लोटिंग में लेकिन ये फ्लोटिंग में बोरो नहीं करेगा ये बोरो करेगा फिक्स में 11 परसेंट पे और एक स्वॉप बैंक है साथ में जिससे ये एडवाइस मांगने गया था स्वाप बैंक है ओके ना हो इसके साथ स्वाप करेगा स्वॉप करेगा तो स्वाप का डायग्राम आना ही चाहिए स्वाप की कोटेशन क्या है स्वाप की कोटेशन है क्या है बताइए आप 9.3 एंड 10.3 पॉइंट थ्री वर्सेस लाइबॉर ओके तो मैं आपको एक चीज छोटी सी इसमें बता रही थी दैट इसका मन क्या है एक्स का मन क्या है इसका मन है फ्लोटिंग देने का आप देखो एक्स दो जगह पे दे रहा है एक जगह पे ग्यारह दे रहा है और एक जगह पे क्या दे रहा है नहीं दिया है डिसाइड नहीं हुआ है तो जो इसका मन है ना वो स्वाप बैंक को देगा तो अज्यूम करो कि ये एल दे रहा है बदले में स्वाप बैंक इसको देगा 9.3 देगा स्वाप बैंक विल गिव लेस एंड टेक मोर फिक्स में ओके okay? सो so इसकी नेट लाइबिलिटी किसकी एक्स की नेट लाइबिलिटी बनेगी 11 प्लस एल माइनस नाइन पॉइंट थ्री एल प्लस वन पॉइंट सेवन ठीक है मैंने किया वहाँ भी किया है सेम चीज़ करी है बट देन राइटिंग गिव्स यू सम मोर कम्फर्ट एल प्लस वन पॉइंट सेवन की लाइबिलिटी आ गई इसकी अभी क्या बोल रहा है अगर आप थोड़ा सा ठहर के सोचोगे ना तो एल प्लस वन पॉइंट सेवन इज लोअर देन एल प्लस टू पॉइंट फाइव ओके तो आपने नोटिस नहीं किया इस बंदे ने दो मार्केट को यूज़ करके और स्वॉप को यूज करके इसने अपनी कॉस्ट ऑफ फंडिंग को कम कर लिया फ्रॉम एल प्लस टू पॉइंट फाइव टू एल प्लस वन पॉइंट सेवन पहला बेनिफिट तो यहाँ पे ही दिख रहा है अभी क्या बोल रहा है? अगर अगले पांच सालों में ये पांच रेट हुए तो बताओ इसने सही किया कि गलत किया तो एवरेज लाइबॉर निकाल लेते हैं तो एवरेज लाइबॉर और एवरेज कॉस्ट निकाला तो आया टेन पॉइंट वन ज़ीरो आपको नहीं लगता गैस कि ये रेट तो ग्यारह से भी कम है जो ओरिजिनली उसको कोट हुई थी ओके सो दिस हैज बिन एबल टू सक्सेसफुली कन्वर्ट हिज फिक्स्ड रेट लाइबिलिटी इनटू

ओके सो आई वुड ऑलवेज़ वांट कि आप जितना पूछते हैं वो उसे टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट आप ज़्यादा पढ़ के जाओ वो हमारी एज होगी ओके okay? uh, एक स्वॉप और है हमारे पास में आई थिंक ओ आई हमें करना है ओके सो लेट एस डू ओ आई एस सॉप्स ऑल्सो इसमें ये मुश्किल नहीं है थोड़ा सा भी ये रदर बहुत ज़्यादा रिलेटिवली आसान है ओवरनाइट इंडेक्स स्वॉप्स कहाँ होते हैं वो आपको बता देती हूँ शॉर्ट में मनी मार्केट एक मार्केट होता है वेरी uh, सिंपल बहुत तरह के मार्केट्स होते हैं स्टॉक मार्केट होता है बॉन्ड मार्केट होता है कमोडिटी uh, मार्केट होता है उसी तरह से मनी मार्केट होता है नाम से ओबियस है मनी मार्केट में कैश लिक्विड कैश का लेन देन होता है बट द पार्टिसिपेंट्स आर लाइक ह्यूज इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स एन बी एफ म्यूचुअल फंडस इंश्योरेंस कंपनीज आर गवर्नमेंट और ट्रिपल रेटेड कंपनीज ही ऑपरेट कर सकती हैं आप और मैं ऑपरेट नहीं कर सकते और पैसों का अमाउंट जो होता है वो भी ह्यूज होता है लाख करोड़ दस हजार करोड़ बीस हजार करोड़ इस तरह से पैसों का लेन देन होता है वहाँ पे उसको मनी मार्केट बोलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मनी मार्केट इज दैट द मेचोरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी लेस इट कैन रेंज फ्रॉम अ सिंगल डे मतलब आप एक दिन के लिए पैसा बोरो और इन्वेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम टू अ पीरियड ऑफ वन ईयर वन ईयर से ज़्यादा मेचोरिटी के इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट में अवेलेबल नहीं होते लाइक टीबल्स कमर्शियल पेपर्स एंड ऑल दैट यू ऑलरेडी नो टिबल की मेचोरिटी एक साल से नहीं होती कहाँ बिकते हैं ये ये बिकते हैं मनी मार्केट में कौन खरीदता है आर बी आई गवर्नमेंट के बिहाफ पे बेचती है और बैंक्स खरीदते हैं इन्वेस्ट करते हैं एस एल आर के लिए इस मार्केट में बैंक्स ऑपरेट करते हैं किस चीज़ के लिए सी आर आर और एस एल आर के लिए ओके सो मनी देर इज अज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स ऑन अ डेली बेसिस द बिगेस्ट मनी मार्केट इन इंडिया अगर आप मुझसे पूछोगे तो अहमदाबाद कोलकाता मुंबई ये सबसे बड़े लिक्विड कैश मार्केट्स एक्चुअली, वहाँ पे ये सॉप हो रहा है फॉर्मेशन बिल्कुल सेम रहेगी कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है एक बंदा देगा फिक्स्ड, दूसरा बंदा देगा सामने वाले को फ्लोटिंग लेकिन वो जो फ्लोटिंग का ब्याज का रेट दिया हुआ रहेगा वो या तो डेली का फ्लोटिंग मैंने शायद आपको बताया नहीं कि फ्लोटिंग कई तरह के होते हैं ईयरली रिसेट अगर हुआ तो ईयरली फ्लोटिंग रेट हो गई मंथली रिसेट हुआ तो मंथली फ्लोटिंग रेट हो गई डेली फ्लोटिंग रेट भी होती है और ये खुद से नहीं होता मार्केट की डिमांड सप्लाई के हिसाब से आर बताता है ओके okay? तो उस तरह की चीज़ें आएंगी सम के अंदर में मैं आपको धीरे धीरे सम के साथ सारी डिटेलिंग करती जाऊँगी फॉर एग्जाम्पल मैं और आप दो लोग हैं तो समझो कि आप और मैं किसी शॉप में एंटर कर गए मैं आपको दूंगी दस परसेंट पर आना मैं वो है ना और आप मुझे देंगे सपोज पीएलआर ओके तो जो रेट कोट होती है वो तो साल की होती है लेकिन वो जो कैलकुलेशन होगी अगर वो डेली हो रही है तो ओबियस ये बात है दस डिवाइड बाई तीन होगा और वो पी की जो रेट सुबह पता चली वो भी भाई तीन होगा अगर मंथली के हिसाब से शॉप का सम दिया है तो 10 डिवाइड बाय 12 और वो जो पी की मंथली पी डिवाइड बाय 12 मतलब आप समझ गए कि ये मैचिंग टाइम का चलना चाहिए कि डेली कैलकुलेशन हो रही है कि मंथली हो रही है क्योंकि ये मनी मार्केट के में बेस्ड सम है ओ का सो so नेचुरली या तो डेली होगा या मंथली होगा उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है ईयरली बिकॉज मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स की मेचोरिटी एक साल से ज़्यादा होती ही नहीं है सम करती हूँ बहुत आसान है तुरंत समझेगा Derivative Bank entered into a plain vanilla sum swap through a OIS on a principal of ten crore and agreed to receive my bar overnight floating rate for a fixed payment on the principal. The swap was entered into on Monday, 2nd August 2010, and was to commence on 3rd August 2010 and run for a period of seven days, Tuesday to Monday. रोज और आप देखो डेली माई वॉर दे रखे हैं समय माई वॉर मुंबई इंटर बैंक रेट दे, डेली फ्लोटिंग रेट है वो इथ डेरिवेटिव बैंक रिसीव्ड रुपीज थ्री वन सेवन नेट ऑन सेटलमेंट कैलकुलेट फिक्सड रेट एंड इंटरेस्ट ऑन बोथ द लेग्स मैं आपको चीज दिखा रही थी यहाँ पे जगह है थोड़ी सी कि क्या लिखा है डेरिवेटिव बैंक एंटर्ड इन टू अ प्लेन वनीला स्वॉप थ्रू एन ओ आई एस ऑन प्रिंसिपल ऑफ टेन करोर एंड अग्रीड टू रिसीव माई बॉर ये सपोज करो कि आप डी बैंक है ये डी है ओके okay. और एक स्वॉप बैंक है एक स्वॉप बैंक है राइट right? अगर ये दोनों स्वॉप में एंटर किए तो डेरिवेटिव बैंक क्या बोला फिक्स्ड और रिसीव क्या कर रहा है फ्लोटिंग ओके okay. तो इक्वेशन जो बनेगी वो कैसी बननी चाहिए मैं जो रिसीव कर रही हूँ माइनस जो मैं दे रही हूँ शुड बी इक्वल टू तीन सौ सत्रह रिसीव किया है पैसा आप देखो चेक करो इफ डेरिवेटिव बैंक रिसीव्ड थ्री मतलब फ्लोटिंग वाज मोर देन फिक्स आई होप अंडरस्टूड राइट नाउ अब क्या करेंगे यहां पे डायग्राम नहीं है मैं लिख के दिखाती हूं आपको तो ये आएगा फ्लोटिंग फ्लोटिंग माइनस फिक्स्ड शुड बी इक्वल टू वॉट थ्री वन सेवन तो क्या बोल रहा है सम में कि आप दस करोड़ का प्रिंसिपल है आप बताओ फिक्स रेट क्या हुई होगी तीन ही तो आइटम है पूरी इक्वेशन में चेक करो ना देर आर ओनली थ्री आइटम्स नो थ्री आइटम्स ओनली एक ये वाला है एक ये वाला है और एक ये वाला है तो एक तो दिया हुआ है ऑलरेडी अपने को अगर मैं ये जो दिया हुआ अमाउंट है इससे फ्लोटिंग का ब्याज सात दिन के एंड पे निकाल लूँ और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ तो सात दिन का फिक्स्ड का ब्याज आ जाएगा उसको बाई सेवन इंटू थ्री सिक्सटी फाइव करेंगे तो साल का ब्याज आएगा दस करोड़ से डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगी दैट्स हाउ इट शुड मूव नाउ ये ब्याज सात दिन का हम कैसे निकालेंगे उसकी कैलकुलेशन दिखा रही हूँ आपको लुक एट हियर नाउ सो यू कैन स्टार्ट योर कैल्स इज ऑल्सो नाउ संडे इज़ अ हॉलीडे ट्यूजडे वेटनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे सात दिन ब्याज का रेट आप चेक करो छः दिया है क्योंकि संडे को मार्केट बंद रहेगा तो सैटरडे को और संडे को एक ही ब्याज की रेट लगेगी ओके और दे हैव आस्ट अस टू राउंड ऑफ तो ट्यूसडे से चालू होता है प्रिंसिपल दस करोड़ का कल से शुड स्टार्ट नाउ सो दस करोड़ दस करोड़ पे इंटू सेवन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट डिवाइड बाय थ्री सिक्सटी फाइव बिकॉज डेली एडजस्टमेंट हो रही है आप करोगे तो आपको आएगा टू वन टू डबल थ्री Guys, ये जो सेटलमेंट होगी ना ये रोज नहीं होगी ओके okay? ये रोज नहीं होगी ये ये सातवें दिन के एंड पे होगी तो नेचुरली जो ब्याज होगा पर डे का वो कंपाउंड होता चला जाएगा देखो यहाँ पे आप ये कंपाउंड हो गया लुक एट हियर दिस इज गेटिंग कंपाउंडेड अब इस अमाउंट पे इंटू एट पॉइंट वन फाइव परसेंट डिवाइड बाई तीन सौ पैंसठ करोगे तो ये आ जाएगा फिर ये अमाउंट इसमें ऐड हो जाएगा फिर उस पर आप ये लगाओगे तो ये आ जाएगा एंड so सो ऑन सिर्फ यहाँ पे आप ध्यान देना ये वाले पे इसमें ब्याज मैंने इंटू टू किया है बिकॉज टू डेज आर बींग कंसिडर्ड सेवेंथ डे के एंड पे आप ब्याज का टोटल करोगे तो आपको ये वाला अमाउंट आएगा मैंने जो इक्वेशन लिखी थी ये तो फ्लोटिंग में अगर मैं यू नो काइंड ऑफ अगर फ्लोटिंग में ये वाला अमाउंट 153740 फिफ्टी करती हूँ 317 उसमें से माइनस हो जाएगा नेचुरली तो अमाउंट ये आया ये फिक्स का कमेंसुरेट ब्याज हुआ लेकिन सात दिन का तो व्हाट वी विल डू 153, 423 डिवाइड बाय सेवन पर डे इंटरेस्ट आया इन टू करोगे तो पूरे साल का फिक्स्ड का ब्याज आ गया डिवाइड बाय 10 करोड़ प्रिंसिपल करोगे तो आपको फिक्स का रेट आएगा विच इज एट परसेंट पर एनम। दिस वॉज ओ आई एस आई होप अंडरस्टूड नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज करेंसी सॉप्स द नेक्स्ट कैटेगरी इज करेंसी सॉप्स सो कस करेंसी सॉप एक बहुत यूनिक किस्म के सॉप्स होते हैं दे आर नॉट लाइक नॉर्मल जो अपने लोगों ने अभी तक सॉप्स किया ना ये वैसे नहीं होते हैं बिहेव नहीं करते फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दू ना तो बॉम्बे में वर्ली सी लिंक है मतलब उन्होंने समुद्र के ऊपर यू नो ब्रिज बनाया है ओके okay? तो अज्यूम करो आप कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टेंडर फ्लोट किया होगा राइट तो टेंडर अगर फ्लोट करा होगा तो वर्ल्ड के बहुत सारे कंपनीज़ ने टेंडर डाला होगा आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू राइट अज्यूम करो कि एक यू की कंपनी ने भी टेंडर डाला और उसका टेंडर एक्सेप्ट हो गया एंड वो आ, ब्रिज बनाने का वो वर्ली सीलिंग बनाने का पाँच हजार करोड़ का कॉस्ट प्राइस लगेगा ऐसा एस्टिमेटेड है ओके अभी ये जो कंपनी है वो यूएस की है तो इसके पास डॉलर्स हैं इसके पास रुपीज़ नहीं है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इंडिया में है ओके तो ये जैसे जो भी डील्स होती हैं इस तरह की इसके ये डायरेक्टली डील्स नहीं होते हमेशा इनमें कोई बड़ी बैंक लाइजन करती है तो आप अज्यूम करो कि ये डील सिटी बैंक लाइजन कर रही है ओके तो ये कंपनी सपोज़ उसका नाम ए है वो बोलता है इसको सिटी uh, बैंक को कि देखो मेरे पास डॉलर्स हैं आई कैन अरेंज डॉलर्स इन यू एस बिकॉज आई हैव माई क्रेडिबिलिटी इन यू एस अगर ये पाँच हज़ार करोड़ रुपया इंडिया में वारो करने जाएगा तो कोई उसको देगा नहीं बिकॉज उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है उसको कोई यहाँ मार्केट में जानता नहीं है तो सिटी बैंक ने एडवाइस किया कि वाई डोंट यू अग्री फॉर अ अप विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसका क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि पाँच करोड़ ओके पाँच हज़ार करोड़ के इक्विवेलेंट अमाउंट ए कंपनी डॉलर्स में यू में रेस करेगा अज्यूम करो सिंपलिसिटी के लिए कि रेट रुपीज फिफ्टी पर डॉलर की चल रही है तो फाइव थाउजेंड करोर्स डिवाइड बाई फिफ्टी दैट विल गिव मी हाउ मच हंड्रेड करोड़ डॉलर्स विल बी रेस्ड एट यूएस ओके एंड वो पैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिए जाएंगे और महाराष्ट्र गवर्नमेंट बदले में उसके पाँच हजार करोड़ रुपया एबीसी कंपनी को देगी सो so दैट कि वो लोग प्रोजेक्ट चालू कर सके ये कैसे होता है गए मैं आपको बताती हूँ कि आ, पैसे आ गए अगर आपको दो ट्रांजेक्शन दिख रहे होंगे बट एक्चुअली दो है नहीं एक ही है एक ऐसे है कि ये जो कंपनी है ना ए कंपनी इट इज़ बेसिकली इन्वेस्टिंग हंड्रेड करोड़ डॉलर इन द प्रोजेक्ट ओके तो आपको लग रहा होगा डॉलर गया रुपया आया बट दो नहीं है ये एक ही है ओके okay, ना आगे जा करके सपोज करो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनको बोलती है कि आप जब जाओगे प्रोजेक्ट ख़त्म करके दो साल के बाद तो हम आपको दस हज़ार करोड़ रुपया देंगे आप समझो बात तो कैसे गेम चल रहा है तो पाँच हज़ार करोड़ रुपया तो ऑलरेडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे चुकी है अब ए कंपनी उसको पाँच करोड़ वापस करेगी तो वो लोग इनको हंड्रेड करोड़ डॉलर्स रिटर्न करेंगे स्वॉप पे हंड्रेड करोड़ डॉलर्स

अगर मान लो कि रेट 50 की जगह सपोज करो 60 हो गई तो यू नो क्या होगा दस हज़ार करोड़ विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 50 इट विल बी डिवाइडेड बाय रुपी सिक्सटी पर डॉलर ओके सो इन दैट सिनेरियो उनके हाथ में डॉलर्स कम आएंगे एंड दे आर लूजिंग तो इन ऑर्डर टू मोटिवेट द कंपनी वो लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग ये जो प्रिंसिपल वाला कॉम्पोनेंट है ना ये जो अमाउंट है इसकी वैल्यू को हम सेम रखते हैं मतलब तुमने सौ करोड़ डॉलर इन्वेस्ट किया दो साल के बाद भी आपको सौ करोड़ डॉलर दैट इज प्रिंसिपल की रिकवरी सेम होगी आप एक्सचेंज पे लूज नहीं कर रहे हो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आपको अगर एक्सचेंज का लॉस होगा तो so सिर्फ रिटर्न कॉम्पोनेंट होगा दैट इज अ रिमेनिंग फाइव थाउजेंड करोड़ रुपीज़ सो इस वजह से क्या होता है द एन पी वी और द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग कंपनी इंक्रीजेस वरना क्या होगा अपन दो जगह से लूज करेंगे अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लूज़ कर रहे हैं दो साल का ब्याज जो आपने हंड्रेड करोड़ डॉलर इन्वेस्ट किया है उसका दो साल का ब्याज भी आपका लूज़ हो रहा है और साथ में अगर रेट खराब हो गई तो आपके हाथ में हंड्रेड करोड़ डॉलर वापस नहीं आ पाएंगे जो कि आपको वापस करना है यूएस में किसी बैंक को ओके okay, आपके हाथ में अगर कम आए तो आपको घर से पैसे देने पड़ेंगे लेकिन अगर आपने शॉप में एंटर किया तो आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट ब्याज जाएगा वैल्यू नहीं जाएगी ओके दैट इज़ वाट इज अबाउट द करेंसी स्वॉप तो ये जो सम है आज तक पेपर में अभी तक नहीं आया है एक सम जो मैं आपको कराने वाली हूँ या डिस्कस करने वाले हैं ये सम आरटीपी में बार बार आया है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर पेपर में करेंसी स्वॉप का सम आता है तो यही वाला सम आना चाहिए और कोई सम नहीं आना चाहिए डेफिनेटली अगर सम आया तो कंपेरिजन करने को बोलेंगे स्वॉप के साथ एन निकालो और अगर कुछ नहीं किया तो एन निकालो higher the better. Okay, let's read the sum. I think you will get the uh, topic completely. Drillip Incorporation, a US based, uh, huh. Drillip Incorporation, a US based company, has won a contract in India for drilling oil field. The project will require an initial investment of rupees 500 crores naturally because uh, the project is in India. So your investment should be in rupees only, but because the company is of US, it can raise only dollars in US. okay The oil field along with equipment will be sold to Indian government for rupees rupee 740 crores in one year time. सिंस द इंडियन गवर्नमेंट विल पे फॉर द अमाउंट इन इंडियन रुपी द कंपनी इज़ वरीड अबाउट एक्सपोजर ड्यू टू एक्सचेंज रेट वालाटिलिटी नेचुरली सात सौ चालीस करोड़ रुपये मिलेंगे लेकिन आज जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो तो पाँच सौ करोड़ की हो रही है और उसका इक्विवलेंट अमाउंट ऑफ डॉलर्स होगा तो सात सौ चालीस सेवन फोर्टी करोड़ में फाइव हंड्रेड करोड़ इज योर प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट एंड टू फोर्टी करोड़ इज योर रिटर्न कॉम्पोनेंट तो अगर पाँच सौ करोड़ लगाया और एक साल के बाद 500 करोड़ की वैल्यू 500 करोड़ ही रह गई या इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ डॉलर्स ही रह गया तब तो कोई नुकसान नहीं है लेकिन अगर वो चेंज हो गया तो हमें नुकसान भी हो सकता है और हमें गेन भी हो सकता है ओके okay? बट जब भी स्वॉप होगा तो आप ये चीज़ कन्विंस्ड रहना कि प्रिंसिपल कॉम्पोनेट की वैल्यू चेंज नहीं करेगी ओके फिर लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ स्वॉप दैट विल हेल्प द ड्रिलिप to reduce the exchange rate risk assuming that indian government offers a swap rate which is dollar 1 equal to rupees 50 in one year then should the company opt for this option or should it just do nothing the spot rate after one year is expected to be rupees 54 per dollar further you may also assume that drillip can also take dollar loan at 8% per annum इसका यह मतलब हुआ कि 500 करोड़ आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 500 करोड़ का आज का इक्विवेलेंट अमाउंट कितना होगा 500 हंड्रेड डिवाइड बाई फिफ्टी ओके सो बेसिकली यहाँ पे मिलियन uh, में सॉल्व करोगे तो आपका एक जीरो ज्यादा होगा अगर करोड़ में करोगे तो अलग बात है दैट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड हियर आगे बढ़ती हूँ मैं तो बेसिकली यहाँ पे 500 करोड़ की आज की वैल्यू हो रही है 10 करोड़ डॉलर दस करोड़ डॉलर बोलो या हंड्रेड मिलियन डॉलर्स बोलो एक ही बात होती है अलग अलग बात नहीं है यानी कि यू यूएस बेस्ड कंपनी को यूएस में हंड्रेड मिलियन डॉलर्स रेस करने पड़ेंगे रुपीज फिफ्टी पर डॉलर पे वो कन्वर्ट करेगा और फिर वो इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया के अंदर में और ये स्वॉप अरेंज करेगा विद द हेल्प ऑफ लाइक द लाइजनिंग एजेंट विथ द गवर्नमेंट लेट अस सी व्हाट हैपेंस आगे जा के

गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को 100 मिलियन डॉलर्स दूंगी तो बदले में सरकार मुझे 500 करोड़ रुपया देगी ओके okay? अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय डॉलर रु, बाय रुपीज 500 करोड़ एट स्पॉट रेट ऑफ 50 100 मिलियन डॉलर्स मतलब मेरे घर से तो 100 मिलियन डॉलर्स चले गए ओके स्वाप रुपीज फाइव करोड़ बैक एट एन एग्रीड रेट ऑफ फिफ्टी ये इंपॉर्टेंट है मतलब ये जो अमाउंट है ना आपका 500 करोड़ ये जो अमाउंट है इसकी वैल्यू नहीं चेंज हुई 100 मिलियन डॉलर्स गए और 100 मिलियन डॉलर्स एक साल के बाद आ गए इट इज़ नथिंग गाइस आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हो ना ज़ीरो में कैपिटल बजटिंग में अगर मान लो कि आज आपने जीरो में हजार रुपया लगाया और एक साल के बाद आपने पंद्रह सौ रुपया निकाला तो हजार तो आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट है ना और 500 आपका रिटर्न कंपोनेंट है लेकिन हजार आपने लगाया आज और आप निकालोगे एक साल के बाद तो अगर बैंक से हजार लोन लिया है तो आपको हजार पे ब्याज पे करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं ओके okay? देन वो जो रिटर्न कंपोनेंट है 740 फोर्टी करोर्स में से 240 फोर्टी करोर्स बिकॉज फाइव रिप्रेजेंट दिस प्रिंसिपल कॉम्पोनेट 240 फोर्टी करोर्स सेल किए जाएंगे एट द रेट ऑफ रुपीज फिफ्टी फोर आई एम गेटिंग फोर्टी फोर पॉइंट फोर फोर मिलियन डॉल तो नाउ इफ़ यू लुक एट द इनफ्लो वाला पार्ट देन 100 मिलियन डॉलर्स इज इक्वलेंट टू द इन्वेस्टमेंट एक साल के बाद रिसीव हो रहा है 240 करोड़ के इक्विलेंट अमाउंट है 44.44 करोड़ और साथ में ब्याज का आउटफ्लो लिया है कौन से ब्याज का 100 मिलियन डॉलर्स जो आप यूएस में रेस करोगे उसका एक साल का ब्याज आपको पे करना पड़ेगा सब में लिखा हुआ था तो सब मिला के योर नेट इनफ्लो एट द एंड ऑफ वन ईयर इज 136.44 थर्टी सिक्स पॉइंट फोर फोर मिलियन डॉलर्स आपने 100 मिलियन डॉलर्स लगाया था और आपने 136.44 मिलियन डॉलर्स आपने रिटर्न में लिया तो योर एन पी इज़ वेरी सिंपल 36.44 मिलियन डॉलर्स सिर्फ एक बात बहुत अच्छी होती है आप देखो यहाँ पे रेट यहाँ पे बढ़ गई 54 हो गया लेकिन 740 फोर्टी करोर्स में से 500 हंड्रेड करोर्स को क्योंकि 50 के हिसाब से कन्वर्जन मिली बिकॉज ऑफ द स्वॉप इसलिए क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे हंड्रेड और यहाँ पे हंड्रेड रह गई वरना नहीं होती 500 हंड्रेड करोर्स डिवाइड बाई फिफ्टी आप करते तो आपको पता है क्या होता आपका बेसिकली वैल्यू चेंज हो जाती है आपकी योर वैल्यू वुड हैव चेंज मतलब क्या होता कि आपने लगाया या आपने रेस किया 100 मिलियन डॉलर्स आपने रेस किए और वापस जाते समय आपके हाथ में नाइन्टी टू पॉइंट फाइव नाइन मिलियन डॉलर्स आते मतलब ओके, okay? so आपको पता है सेवन पॉइंट फोर वन मिलियन डॉलर्स का नुकसान सिर्फ एक्सचेंज की वजह से आपको होता तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि, कि प्रिंसिपल रिटर्न मत आने दो प्रिंसिपल तो पूरा वापस आना चाहिए वरना आप बैंक को पे कैसे करोगे वापस सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ अ करेंसी स्वप ओके okay? अगर आप करेंसी स्वॉप नहीं करते हो तो क्या करोगे आप यू विल बाय हंड्रेड करोर सॉरी फाइव हंड्रेड एट अ स्पॉट रेट तो आपके हंड्रेड मिलियन डॉलर आपको रेस करने पड़ेंगे वहां पर ओके और उसके बाद पूरा का पूरा 740 फोर्टी करोर्स आप डिवाइड करोगे 54 से इसमें आपको कोई भी Uh, जो बेनिफिट आपको वहाँ ऊपर मिली थी वो यहाँ नहीं मिलेगी तो आपके हाथ में आएगा वन थर्टी सेवन पॉइंट जीरो फोर मिलियन डॉलर्स और साथ में आपका ब्याज भी जाएगा तो आपके हाथ में आ रहे हैं ट्वेंटी नाइन पॉइंट जीरो फोर मिलियन डॉलर्स का एल पी वी विच इज लेसर देन द ऑल्टरनेटिव नंबर वन सो वी वुड प्रेफर और वी वुड एडवाइज ड्रिलिप एंड कंपनी टू गो अहेड विद द सॉप अरेंजमेंट ओनली बिकॉज As a result of swap, they are not losing out on principal. The value of their principal remains 100 million dollars at zero and 100 million dollars at the end of one year. There is no loss of principal component. Okay, so that is the uh, that is how currency swap behave actually. I hope guys uh, you understood the concept completely. And let me tell you one thing that.

अपने दो टॉपिक छोटे छोटे और पेंडिंग है दैट इज फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट मैंने स्ट्रक्चर फ्लो में आपके लिए लिखा था वो एंड कैफ फ्लोर एंड कॉलर दैट मीन्स फॉरवर्ड्स ऑन इंटरेस्ट रेट्स बाकी है और एंड ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट्स बाकी है वो दोनों अपन फटाफट ख़त्म करते हैं तो आपका ये जो टॉपिक है पूरा डेरेविटिस् का एज सच वो पूरा खत्म हो जाएगा राइट लेट्स गो क्विकली ओके फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट क्या होता है फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट वो आप सुन लो पहले फिर फटाक से सेक्सम करवा दूंगी मैं आपको फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट ओके नाउ फॉरवर्ड जब मैं बोलू ना तो आपको एक दिमाग में जरूर बात आनी चाहिए दैट कि फॉरवर्ड्स आर मेंट ओनली फॉर शॉर्ट टर्म हैजिंग दे आर नॉट मेंट फॉर लॉन्ग टर्म हैजिंग ओके बिकॉज आप याद करो करेंसी में भी अगर मेचोरिटी छः महीने से ज्यादा की है तो कोई फॉरवर्ड उसके लिए अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में अगर मेचोरिटी छः महीने या उससे कम एक महीना दो महीना तीन महीना चार महीना वॉट तो आपको फॉरवर्ड्स मार्केट में मिलते हैं बहुत सिंपल सी बात है ना उसके आगे का प्रोडिक्शन बैंक भी कहां से कर पाएगी इट इज नॉट पॉसिबल एंड दैट इज वाई फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट और एफ आर एज वुड बी ओनली मेंट फॉर हैजिंग शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ओके आपको एक बात तो समझ में आ गई है दैट एफ आर एज आर मेंट फॉर हैजिंग इंटरेस्ट रेट चेंज एनी प्रोस्पेक्टिव बॉर ओवर और इन्वेस्टर अगर बंदा बॉरोवर है तो उसको किस बात का डर लगेगा उसको इस बात का डर लगेगा कि अगर ब्याज आगे जाके ऊपर गया तो उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज़्यादा हो जाएगा अगर बंदा इन्वेस्टर है तो उसको इस बात का डर लगेगा कि उसका रिटर्न कॉम्पोनेंट कम हो जाएगा अगर आगे जा के रेट कम हुई तो तो सपोज़ करो कि मैं एक कंपनी हूँ और मुझे छ महीने के बाद तीन महीने के लिए बोरो करना है क्या बोला छः महीने के बाद तीन महीने के लिए बोरो करना है तो उसको कैसे लिखते पता है आपको लुक एट नाउ जीरो सिक्स मंथ एंड थ्री मंथ ओके तो यहां पे खड़े होकर के अपन एफ आर आर डिसाइड कर रहे हैं ओके okay? रिक्वायरमेंट क्या है बोरोइंग रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू बोरो बोरो सपोज रुपीज टेन लैक अज्यूम कर लो आप ओके okay? कहां पे बोरोइंग करनी है यहां पे बोरोइंग करनी है लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करूंगी तो सपोज करो कि मैं बैंक के पास गई मतलब क्या हुआ कि आर ट्रेडेड इन मार्केट। ओके सो सिक्स स्लैश नाइन एफ आर अवेलेबल एट द रेट ऑफ आर एट द रेट ऑफ आर इक्वल टू फाइव परसेंट मतलब मैं बैंक के पास गई और मैंने बोला कि मुझे छः महीने के बाद तीन महीने के लिए पैसे बोरो करने बैंक इज़ प्रोवाइडिंग मी अ कोटेशन दैट छः महीने के बाद आओ और आप मुझसे पाँच परसेंट पर पैसा बोरो करके जाओ बात ख़त्म हो गई प्रॉमिस टू बोरो कर लिया अगर मैं बॉरोवर हूँ तो मुझे ब्याज के बढ़ने का डर है तो मैं एफ आर ए बाय करूँगी ओके अगर बढ़ने का डर तो बाय गिरने का डर तो सेल ये याद रखना है आपको ओके नाउ ये पीरियड खत्म होता है टाइम आता है यहाँ बोरो करने का राइट तो स्पॉट स्पॉट मार्केट रेट हो जाती है स्पॉट मार्केट रेट फॉर थ्री मंथ बोरोइंग फॉर थ्री मंथ बोरोइंग सपोज करो हो जाती है ओके? तो ना हो मैं बोरो करूँगी परसेंट पे यहाँ से यहाँ कैश मार्केट पे मैं बोरो करूंगी छेंट पे ओके तो सपोज करो वी बोरो We borrow rupees 10 lakhs at the rate of 6 percent per annum for 3 months. Okay. So outflow. Outflow will be equal to rupees 10 lakhs plus rupees 10 lakhs into 6 percent into 3 divided by 12. Dhyan na guys. Okay. Now 10 into 6 percent into 3 divided by 12 plus 10. मेरे को आता है रुपीज़ टेन पॉइंट वन फाइव लैक्स का पेमेंट होएगा अपने को कहाँ पे यहाँ पे ओके कैश मार्केट क्लोज अब मैंने एफ आर कर रखा है और ब्याज बढ़ गया तो ये याद रखना अगर आपने कोई चीज़ खरीद रखी है और अगर उस चीज़ की प्राइस या रेट बढ़ गई तो आपको फ़ायदा होगा ध्यान देना आपने ख़रीदी थी कितने पे पाँच पे रेट बढ़ के कितनी हो गई छः तो आपको फायदा होना चाहिए कितना फायदा एट हियर पे ऑफ फ्रॉम पे ऑफ फ्रॉम एफ आर ए विल बी इक्वल टू सिक्स परसेंट माइनस फाइव परसेंट ओके इंटू रुपीज टेन लैक्स इंटू थ्री डिवाइड बाई ट्वेल्व ओके सो ये हो जाएगा दस लाख दस लाख इंटू वन परसेंट इंटू थ्री डिवाइड बाई ट्व मेरे को हाथ में आएंगे पच्चीस सौ रुपये ओके ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और डिवाइड बाई वन लाख मेरे को आते हैं रुपीज़ पॉइंट ज़ीरो टू फाइव लैक्स ये मेरे को पेमेंट आई कहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पेमेंट आई यहाँ पे तो एक जगह पे पैसे गए कितने टेन पॉइंट वन फाइव गए और एक जगह पैसे आए कितने आए 0.025 पैसे आए तो नेट आउटफ्लो ओके नेट आउटफ्लो ये हो जाएगा रुपीज टेन पॉइंट वन फाइव लैक्स माइनस रुपीज जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव लैक्स ओके सो टेन पॉइंट वन फाइव माइनस पॉइंट जीरो टू फाइव विल गिव मी रुपीज टेन पॉइंट वन टू फाइव लैक्स कॉस्ट निकालते हैं सो इफेक्टिव कॉस्ट इफ़ेक्टिव कॉस्ट विल बी इक्वल टू 10.125 पॉइंट माइनस 10 डिवाइड बाय 10 इंटू हंड्रेड ये मुझे देगा तीन महीने का कॉस्ट मुझे चाहिए बारह महीने का तो 12 बाय 3 माइनस 10 डिवाइड बाय 10 इंटू हंड्रेड इंटू फोर विल गिव मी अगेन 5 परसेंट पर एनम. ये है आपका एफआरए. आर इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर में अगर आपने एफ आर ए बाय किया है और रेट चार की हो गई तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि आप बोरो करोगे चार पे यहाँ पे ओके यहाँ पे आप फोर परसेंट पे बोरो करोगे तो आपका कॉस्ट फोर परसेंट हो गया आप याद रखना अगर आप करेंसी सत्तर पे बाय करते हो और अगर मार्केट में रेट सेवेंटी टू हो गई तो आपको सत्तर पे लेना अलाउड है लेकिन अगर रेट 62 की हो गई तो आपको वो अलाउड नहीं होगा आपको हर हालत में 70 पे ही आपको करेंसी बाय करनी पड़ेगी ओके okay? सिमिलरली अगर रेट चार की हो गई आप वो एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि आपको 1% परसेंट एफ आर पे करना पड़ेगा एंड दैट विल मेक योर कॉस्ट फ्रॉम फोर टू फाइव जस्ट सी योर फाइनल आंसर आपको प्लस माइनस इस तरह से करना है सो so दैट कि आपका आंसर आ जाए फाइफ दैट यू टू रिमेंबर ऑलवेज ओके एक चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ जस्ट वन थिंग ये याद कर लो आप बेसिकली अगर कोई चीज़ आपने खरीदी है और रेट बढ़ गई तो फायदा मतलब तो वो पे ऑफ इनफ्लो है आपका अगर कोई चीज खरीदी और रेट नीचे गिर गई वो आपका आउटफ्लो है आपको लॉस हुआ है तो अगर बोरोइंग का सम है और एफ आर ए पर लॉस हुआ है तो दोनों एड होंगे क्योंकि दोनों पैसे आउटफ्लो हैं ये कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी राइट लेकिन एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ आपको हियर इज़ दैट कि गैस इसमें हेजिंग का सम मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया इसमें अगर स्पेक्युलेटर इस होता तो क्या होता मतलब उसको सच में बॉरोइंग नहीं करनी उसको लग रहा है कि रेट ऊपर जाएगी उसने पाँच परसेंट पर एफ बाई कर लिया एफ बाय बाई करने के बाद यहाँ पे जब रेट खुली छः परसेंट की तो उसको ये पता था कि यहाँ पे जा के उसको पच्चीस सौ रुपये मिलने वाले हैं लेकिन बंदा ये पीरियड वेट नहीं करना चाहता बोलता मैं क्यों वेट करूँ फालतू में एक काम करो जो यहाँ पे पच्चीस रुपया तुम मुझे देने वाले थे ये पैसे तुम मुझे यहाँ दे दो तीन महीने का ब्याज काट लो

दिस विल भी इक्वल टू रुपीस टेन लैक्स सिक्स परसेंट माइनस फाइव परसेंट इंटू थ्री डिवाइड बाई ट्वेल्व द होल डिवाइड बाई वन प्लस वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स इंटू थ्री डिवाइड बाई ट्वेल्व ओके सो पच्चीस सौ आएगा वी हैव ऑलरेडी कैल्कुलेटेड दैट ऊपर में राइट सो पॉइंट जीरो सिक्स इंटू थ्री डिवाइड बाई ट वन वन पॉइंट जीरो वन फाइव एंड आंसर विल बी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड डिवाइड वन पॉइंट जीरो वन फाइव दैट इज गिविंग मी टू फोर सिक्स थ्री पॉइंट जीरो फाइव ये पैसे ले के बंदा निकल जाएगा बिकॉज उसको एक्चुअल हेजिंग करनी ही नहीं थी वो बेटिंग कर रहा था तो याद रखना अगर बंदे ने पाँच परसेंट पे एफ आर ए बाय किया रेट बढ़ गई तो फायदा होगा लेकिन अगर रेट गिर गई तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी ये तो नॉर्मल डे टू डे बिजनेस में रूल होता है राइट right? एक और चीज़ रेट यहाँ पे हमेशा मार्केट की होगी एफ रेट कभी भी नहीं होगी ये याद रखना दिस इज ओनली अबाउट एफ और कुछ भी नहीं है एफ के अंदर ओके सो बी केयरफुल कीप प्रैक्टिसिंग आई एम डूइंग वन प्रॉपर फॉर्मल सम ऑफ द इंस्टीट्यूट नाउ नो कमेंट हर एफ आर एज आर फॉरवर्ड्स ऑन इंटरेस्ट रेट फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग or lending, a prospective borrower or investor can book an FRA and block his rate to avoid future discomfort. Borrower ko badhne ka dar FRA buy. Investor ko girne ka dar to FRA sell. Now Electra Space is consumer electronic wholesaler. The business of the firm is highly seasonal in nature. In six months of a year, Firm has a huge cash deposit, and especially near Christmas time, another six month firm cash crunch leading to borrowing of money to cover up its exposures for running the business. But seasonal business is comfortable or slack. It is expected that firm shall borrow a sum of Euro 50 million for the entire period of slack okay, in about three months. अब बैंक हैज़ गिवन द फॉलोइंग कोटेशंस आपको मुझ मुझे आपसे पूछना है बेसिकली कौन सी रेट लगेगी यहाँ पे ध्यान आ रहा है क्या आप मैं डायग्राम यहाँ पे बनाती हूँ देखो यहाँ पे सो दिस इज़ सपोज़ ज़ीरो दैन तीन महीना छः महीना ओके okay, नौ महीने और साथ में बारह महीने तो बोरोइंग ये वाली जो पीरियड है ना ये वाली जो पीरियड है इसके लिए तो बोरोइंग पूरी होनी चाहिए ये वाले पीरियड के लिए एंटायर पीरियड ऑफ स्लैक के लिए बोरोइंग होनी चाहिए तो अपन एक्चुअली मैंने ज़ीरो लिखा जरूर जरूर है बट अपन जीरो पे खड़े नहीं हैं अपन खड़े हैं यहाँ पे तो क्या लिखा थ्री मंथ्स फ्रॉम नाउ मतलब बेसिकली आप मतलब कॉमन सेंस की बात है कि मैं यहाँ पे प्लानिंग करूंगी आई विल बाय एफ आर ए हीयर मतलब जब सरप्लस का तीन महीना ख़त्म हो गया तो मुझे पता है कि और तीन महीने के बाद छः महीने का स्लैक आने वाला है तो थ्री स्लैश नाइन ये वाला तीन महीने के बाद छ महीने के लिए ओके वी विल बाय थ्री स्लैश नाइन एफ आर एट फाइव पॉइंट सिक्स फोर परसेंट एंड फाइव पॉइंट नाइन फोर गैस इसमें भी बिड और आस्क होता है ना ये आस्क रेट आपके लिए एप्लीकेबल होगी बिकॉज आपको पैसे बोरो करने हैं तो अगर आपको पैसे बैंक से बोरो करने हैं तो रेट हमेशा ज्यादा वाला लगेगी अगर इन्वेस्टमेंट का सम होता तो 5.64 लगता आई होप यू आर कंफर्टेबल आगे बढ़ते हैं मतलब मैंने एफ 5.94 परसेंट पे बाय कर लिया ओके सो केस वन में रेट फोर हो गई हम लोगों ने एफ आर किया था 5.94 में और रेट हो गई 4.5 तो आपको याद होना चाहिए दैट करेंसी uh, में भी यू you नो know, जब आप अपन लोग फॉरेक्स पढ़ते हैं तो अगर आप किसी बैंक से फॉरवर्ड बाय करते हो रुपी सेवेंटी पर डॉलर पे, तो अगर रेट ऊपर गई तो आप सेवेंटी पे ही खरीदोगे करेंसी लेकिन अगर रेट नीचे चली गई तो आप वो एन्जॉय नहीं कर सकते आपको हर हालत में सेवेंटी ही पे करना पड़ेगा ओके सेम यहाँ पे भी होगा तो केस वन में रेट फोर परसेंट की हो गई तो आप कैश मार्केट में बोरो करोगे फोर अगर आपने एफ बाय नहीं किया होता तो शायद आप 4.5 पॉइंट एन्जॉय कर पाते लेकिन क्योंकि आपने एफ आर कर रखा है तो आपको कैश मार्केट में आप 4.5 पॉइंट फाइव पे ही बॉरो करोगे लेकिन एफ आर मार्केट में आपको लॉस होगा कितने का लॉस होगा 5.94 पॉइंट नाइन माइनस का मतलब बैलेंस अमाउंट आपको सामने वाले को देना पड़ेगा यू कैन थिंक लाइक दिस ऑल्सो कि आपने एफ आर किया है और रेट नी रेट नीचे चली गई अगर अपन कुछ कोई चीज़ खरीदें और उसकी रेट अगर नीचे चली जाए तो क्या होगा आपको लॉस होगा सेम यहाँ पे भी आपको लॉजिक लगाना है तो आपने एफ आर आई बाई किया फाइव पॉइंट नाइन फोर पे और रेट चली गई फोर पॉइंट फाइव पे तो कैश मार्केट में यू विल बोरो एट फोर पॉइंट फाइव परसेंट बट इन द एफ आर ए मार्केट यू विल पे द डिफरेंस और यू विल फेस अ लॉस ऑफ द डिफरेंस अमाउंट दोनों को आप ऐड करके कॉस्ट निकालोगे तो आपको अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट फाइव पॉइंट नाइन फोर परसेंट ओनली अगर रेट फोर पॉइंट फाइव पॉइंट नाइन फोर से ऊपर चली जाती तो इन दैट सिनेरियो आपको गेन होता आप बोरो करते हाई रेट पे कैश मार्केट में मैंने दिया है यहाँ पे दो केस वन केस टू दो हैं एक रेट फाइव पॉइंट नाइन फोर से कम है और एक रेट फाइव पॉइंट नाइन फोर से ज़्यादा है लेटेस सी क्या होता है करके ओके okay? तो मैंने लिखा है यहाँ पे द फर्म बोरोज डॉलर फाइव हंड्रेड लैक्स एट द रेट ऑफ फोर पॉइंट फाइव परसेंट इन द स्पॉट मार्केट गैस ये रेट हमेशा पर एन एम की होगी ओके आउटफ्लो ऑन मेचोरिटी विल बी इक्वल टू डॉलर फाइव लैख प्लस डॉलर फाइव लैख इंटू फोर पॉइंट फाइव परसेंट इंटू सिक्स बाई ट्वेल्व ये कैश मार्केट का आपका कॉस्ट हुआ मतलब कैश मार्केट में आप फिफ्टी मिलियन यू विल बोरो एट द रेट ऑफ फोर पॉइंट फाइव परसेंट फॉर सिक्स मंथ्स ओके एंड वहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा फाइव डबल वन टू फाइव ट्रिपल जीरो का कैश मार्केट में ये आपका क्लोज हो गया एफ आर ए मार्केट में आपका जो पे ऑफ होगा ओके वो होगा फोर पॉइंट फाइव परसेंट माइनस फाइव पॉइंट नाइन फोर आप देखो यहाँ पे मैंने ना एक इक्वेशन लिख रखी है ओके okay, ये इक्वेशन है इक्वेशन में मैंने लिखा है फॉर बोरोवर आर वन माइनस आर जीरो तो आर वन क्या है आर वन इज योर स्पॉट ओके एंड आर जीरो इज योर एफ आर ए रेट ये ध्यान देना प्लीज़ आप आर वन इज़ योर स्पॉट रेट एंड आर जीरो इज योर एफ आर ए रेट ओके तो यहाँ पे आर वन माइनस आर जीरो फोर पॉइंट फाइव परसेंट माइनस कौन सा स्पॉट जिस दिन एफ आर ए ट्रिगर होगा उस दिन का रेट ओके इंटू फाइव हंड्रेड लैक्स इंटू सिक्स बाई ट्वेल्व करोगे तो थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड का आउटफ्लो ये लॉस हो गया आपको ओके नाउ ये भी आउटफ्लो है और ये भी आउटफ्लो इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे ऐड करेंगे तो यू विल गेट फाइव वन फोर एट फाइव ट्रिपल ज़ीरो इफ़ यू टेक आउट द कॉस्ट टिल हियर टिल हियर यू गेट अ कॉस्ट फॉर सिक्स मंथ्स ओके आपने फाइव हंड्रेड लैक्स बोरो किया और आपने फाइव वन फोर एट फाइव ट्रिपल जीरो पे किया आपने थोड़ा पैसा कैश मार्केट में पे किया एंड यू ऑल्सो फेस्ड अ लॉस इन द एफ आर ए मार्केट दोनों को मिला करके ये कॉस्ट आएगा लेकिन क्योंकि मुझे कॉस्ट पर एन एम चाहिए मैंने टाइम एडजस्टमेंट लिया है ट्वेल्व बाई सिक्स मतलब पूरे साल में दो छः महीने होते हैं इंटू टू बोलो या ट्वेल्व बाई सिक्स बोलो अगेन वी गेट फाइव पॉइंट नाइन फोर परसेंट विच इज़ नथिंग बट द एफ आर ए रेट आई होप गाइज यू अंडरस्टूड लेट्स गो हैड नाउ अब मैं एक बात और बोल रही थी आपको कि अगर ये बंदा अगर ये बंदा स्पेक्यूलेटर है मतलब स्पेक्यूलेटर का मतलब क्या हुआ लेट्स सी द डायग्राम अगेन अगर ये बंदा लाइक दिस ओके अगर ये बंदा स्पेक्यूलेटर है तो बेसिकली आपका एफआरए आर एज आई टोल्ड यू कि हम यहां पे खड़े हैं हम यहाँ पे खड़े राइट तो ये आपका वो पीरियड है जो कूलिंग ऑफ पीरियड है कूलिंग ऑफ यहाँ पे एफ ट्रिगर होगा यहाँ पे और वो भी इस पीरियड के लिए तो जो आपका स्पेक्यूलेटर है उसने यहाँ पे लिया बाय किया एफ आर एफ बाय किया क्योंकि उसको लगा रेट ऊपर जाएगी तो उसने एफ 5.94 पे बाय किया उसको कैश मार्केट से पैसे बोरो नहीं करने हैं ये याद रखिएगा आप उसको कैश मार्केट से पैसे बोरो नहीं करने उसको सिर्फ एफ से पैसे कमाने हैं ही इज़ बेटिंग तो कैश मार्केट में कोई बोरोइंग बोरोइंग नहीं होगी लेकिन वो सिर्फ एफ आर बाई कर रहा है ओके okay? तो यहाँ पे बाई करेगा फोर पॉइंट नाइन फाइव में यहाँ पे जाके पता चला कि रेट नीचे चली गई उसने 5.94 में बाय किया और रेट नीचे चली गई वो हो गई 4.5 पॉइंट तो बेसिकली इसको भी लॉस होगा लेकिन ये लॉस की पेमेंट इसको करनी पड़ेगी यहाँ पे यहाँ पे तो ये क्या बोलता है कि मुझे तो कैश मार्केट में पैसे बोरो करने नहीं हैं अगर मुझे कैश मार्केट में पैसे बोरो करने होते तो मैं लास्ट मेचोरिटी तक जाता था वहाँ कैश मार्केट में भी पे कर देता और एफ में भी पे कर देता जो लॉस हुआ है मुझे तो एक काम करो एक काम करो पता तो यही चल गया ना पता तो यू नो जस्ट अ सेकेंड प्लेस हाँ पता तो यहाँ पे ही चल गया कि मुझे पैसे देने हैं कि मुझे पैसे लेने हैं एफ आर ए में ओके आई केम टू नो हियर ओनली कि मुझे पैसे देने हैं कि मुझे पैसे लेने हैं इन दिस केस यू बॉट एफ आर एट फाइव पॉइंट नाइन फोर एंड द रेट वेंट डाउन टू 4.5% परसेंट दैट मीन्स एफ आर ए बायर को पैसे देने हैं देर विल बी एन आउटफ्लो लेकिन पता तो वहाँ पे चल गया ना तो अगर पता चल गया है लेकिन मुझे देना कहाँ पे था यहाँ पे तो ये बंदा क्या बोलता है जो भी पैसा मुझे यहाँ देना है आप मुझे यहाँ पे मुझसे दिलवा लो उसका प्रेजेंट वैल्यू कर दो आप क्योंकि तो मुझे उतना लंबा नहीं जाना बिकॉज मुझे कैश मार्केट में तो ऑपरेट करना नहीं है सेम दैट इज वाई गाइज यहाँ पे देखो मैंने लिखा है फॉर स्पेक्यूलेटर तो नोशनल प्रिंसिपल आर वन माइनस आर जीरो फोर पॉइंट फाइव माइनस फाइव पॉइंट नाइन फोर इंटू सिक्स बाई ट्वेल्व इंटू नोशनल प्रिंसिपल दिस इज सेम एज दिस वन ये जो इक्वेशन गई ना आपकी ये वाली इक्वेशन है न्यूमरेटर ओके okay? लेकिन ये जो तीन लाख साठ हजार का आउटफ्लो हुआ है इसको ये डिस्काउंट करके हम यहाँ ला रहे हैं एंड दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग दिस अमाउंट यानी जो एफ आर ए बायर होगा इन केस ऑफ अ स्पेक्यूलेटर वो वहाँ पर पैसे दे करके निपट जाएगा ही विल नॉट गो टिल मेचोरिटी बिकॉज ही डजेंट हैव टू बोरो एनी मनी फ्रॉम द कैश मार्केट ओके सेम लेट सी केस टू ऑल्सो यहाँ पर रेट बढ़ गई तो अगर रेट बढ़ गई है तो एफ आर आई बायर होगा तो उसको फ़ायदा होगा एफ आर आयर जब मैं बोलती हूँ तो आई मीन टू से बोथ फॉर हेजर एज वेल एज स्पेक्यूलेटर हैजर एफ आर ए बाय तब करेगा अगर उसको बोरोइंग की रिक्वायरमेंट होगी क्यों बाय करेगा बिकॉज ही इज अ फ्रेड ऑफ रेट्स गोइंग अप ओके सिमिलरली जो स्पेक्यूलेटर होगा वो बाय इसलिए कर रहा है बिकॉज ही थिंक्स दैट रेट्स विल गो अप उसको लग रहा है रेट ऊपर जाएगा तो अगर उसने नीचे रेट पे कोई चीज़ बाय करी है वो ऊंचे रेट पे अगर वो सेल करेगा तो उसको फायदा होगा केस टू में रेट 5.94 से ज़्यादा होके 6.5 परसेंट चले गए इन दैट सिनेरियो कैश मार्केट से बंदा बोरो करेगा साढ़े छः परसेंट पे तो उसकी आउटफ्लो आएगी ये वाली ओके okay? नाउ Payoff from FRA, he will gain because he bought at 5.94 and the rates went up to 6.5. So, let us see what is the gain. The gain is $1,40,000. So, this is your outflow, 51625000, and 1,40,000 is my gain. You minus so this is net outflow. Aega. Okay, and effective cost will be again 5.94 for a speculator. उसको लगा रेट ऊपर जाएगी और केस टू में रेट ऊपर चली गई तो 5.94 में बाय किया और 6.5 में अज़्यूम करो कि वो सेल करेगा तो उसको गेन आएगा तो कैसे ये आपने जो एक लाख चालीस हज़ार निकाला है ना ये जो न्यूमरेटर है आपका इक्वेशन का ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये आप नेट करोगे तो एक चालीस ही आएगा लेकिन इसको और छः महीने वेट नहीं करना इसको आज ही ख़त्म करना है ओके तो डिस्काउंट करके जो भी पैसे आएंगे ये उसको मिल जाएंगे दिस इज़ फॉर द स्पेक्यूलेटर आप यू हैव टू बी केयरफुल इन द एग्जाम वैदर द सम इज बिंग आस्ड फॉर अ हैजर और अ स्पेक्यूलेटर लेकिन मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि ये लोग सम में इतनी क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं करते सम देख के आपको लगेगा हैजर का लेकिन कर देंगे स्पेक्यूलेटर के लिए तो मैं तो क्या सजेस्ट करती हूँ कि आप हेजर के लिए भी करो और स्पेक्यूलेटर के लिए भी करो क्योंकि अल्टीमेटली जो पे ऑफ आपने हेजर के लिए कैलकुलेट किया है सिर्फ डिस्काउंट करने से वो आंसर बन जाएगा स्पेक्यूलेटर का इट विल नॉट टेक टू मच ऑफ एफर्ट एंड आई थिंक वी विल बी लाइक कंप्लीटली हैज़ यू कैन से हमें कोई रिस्क नहीं होगा बिकॉज वी डू नॉट नो बिकॉज are आर नॉट क्लियर इन देयर आस्किंग दैट वेदर दे वॉन्ट आंसर फॉर अ स्पेक्यूलेटर और अजर तो हेज़र के लिए अगर अपन करते हैं तो कैश मार्केट में बोरोइंग करानी पड़ेगी हमको और फिर पे ऑफ जो एफ आर ए का होगा उसको नेट करके फाइनल आंसर आएगा लेकिन अगर हम स्पेक्यूलेटर के लिए करते हैं तो कैश की बॉरोइंग नहीं आनी चाहिए और सिर्फ हमें प्रेजेंट वाल्यू पे ऑफ आना चाहिए बट सिंस वी आर नॉट श्योर कि वो क्या चाहते हैं आप दोनों करो ओके okay?

कॉल का मतलब कि मैं अभी भी कैप नहीं बोलती मैं कैप कॉल ही बोलती हूँ कैप नहीं बोलती फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बोरो करना है पैसा आपको किस बात का डर कि ब्याज ऊपर जाएगा तो अगर आपने कॉल बाय किया फाइव परसेंट पे तो अगर मार्केट फाइव परसेंट से ऊपर गया तो आपका कॉल एक्सरसाइज होगा मतलब यू हैव अ राइट टू एट फाइव और अगर मार्केट में रेट नीचे चली गई देन योर कॉल विल लैप्स एंड यू विल एट अ लोअर रेट सिमिलरली अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो यू आर अ फ्रेड ऑफ रेट गोइंग डाउन तो इफ यू बायट राइट टू इन्वेस्ट एट फाइव अगर रेट पांच के नीचे गई तो यू हैवे राइट टू इन्वेस्ट एट फाइव और अगर रेट ऊपर चली गई मार्केट में तो वॉट विल हैपन पुट विल यू विल इन्वेस्ट एट अ हायर रेट सेम कॉलर पुट का लॉजिक चलता है ओके okay? तो मैंने इसलिए सारा कुछ लिखा एक साथ में आप देखो बाय और बोरो एक साथ चलते हैं कॉल और कैप एक साथ चलते हैं और राइट टू बाय ऑब्लिगेशन टू सेल ये आपको आता है ऑलरेडी राइट बाय कॉल सेल कॉल राइट टू बोरो एट ई तो कोई अगर आप बोरो कर रहे हो तो कोई सामने से इन्वेस्ट कर रहा है तो ऑब्लिगेशन टू इन्वेस्ट तो सेल और इन्वेस्ट का लॉजिक एक जैसा चलता है ओके बाय कैप सेल कैप पे प्रीमियम रिसीव प्रीमियम ओके okay? दूसरा राइट टू सेल मैंने बोला ना आपको सेल और इन्वेस्ट का लॉजिक एक जैसा चलता है तो राइट टू सेल एट ई बाय पुट राइट टू इन्वेस्ट एट ई बाय फ्लोर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है तो आप रेट को फ्लोर प्रोवाइड करोगे कैप नहीं करोगे आप जाओगे चाहोगे ऊपर से ऊपर जाए वो राइट नीचे बेस प्रोवाइड करोगे इसके नीचे ना जाए ओके okay? तो राइट टू सेल ऑब्लिगेशन टू बाय आपको ऑलरेडी आता है राइट टू इन्वेस्ट एट ई तो ऑब्लिगेशन टू बोरो एट ई ओके पी माइनस सेल फ्लोर रिसीव प्रीमियम और यहाँ पे बाय पुट या बाय फ्लोर में आएगा पे प्रीमियम अगर इन दोनों की आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो वो बोला जाएगा कॉलर कॉलर कोई क्यों बनाएगा मतलब अगर मेरे को पैसे बोरो करने हैं तो मैं या तो सिर्फ कॉल बाय करूं या मैं सिर्फ कैप बाय करूं और नहीं तो आई कैन क्रिएट अ कॉलर मतलब मैं सी प्लस भी करूँगी और मैं पी माइनस भी करूँगी क्यों ऐसा करूँगी बिकॉज आई पे प्रीमियम टू बाय अ कैप मुझे प्रीमियम थोड़ा अपना कम करना है तो नेचुरली मैं एक फ्लोर को सेल कर दूँगी प्रीमियम आएगा तो मेरा नेट आउटफ्लो कम हो जाएगा सिमिलरली एक और कॉलर बना सकते हैं अगर आप इन्वेस्टर हो तो पी प्लस के साथ सी माइनस कैसे मैं आपको एक सम फ्लोर का ही करा रही हूँ सॉरी uh, कॉलर का ही करा रही हूँ जहाँ पे दोनों आएगा ओके okay? तो अपन देखते हैं ये सम ऑलरेडी uh, इंस्टीट्यूट का ही है एक्चुअली पेपर में अब तक नहीं आया है अगेन आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द सम आप प्लीज लिख के सम को करना ताकि अगर पेपर में आए तो आप पूरा सम उतार देना ओके okay? यहाँ पे सम आ रहा है एक्सवाइजेड इन कार्पोरेशन इशूज अ पाउंड टेन मिलियन फ्लोटिंग रेट लोन ऑन जुलाई फर्स्ट टू थाउजेंड थर्टीन With resetting of coupon rate every six months equal to LIBOR plus 50 BPS. XYZ is interested in a collar strategy by selling a floor and buying a cap. You are already aware of this. XYZ buys 3-year cap and sells 3-year floor as per the following details on July 1, 2013. Principal amount at 10 million dollars reference, reference rate, 6-month LIBOR, 4% for floor. मतलब बेसिकली C प्लस एट सेवन एंड P माइनस एट फोर इस केस में प्रीमियम आया और गया दोनों बराबर हो गए कोई टेंशन नहीं है यूजिंग द फॉलोइंग डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द इफेक्टिव इंटरेस्ट पेड आउट एट रीच रिस डेट गैस यहाँ पे ना एक्चुअली आपको सच्ची बात बोलूँ तो रेट्स आपके टाइपिंग में थोड़ी इश्यू आई है ओके okay. तो मतलब एक लगातार नहीं लिखा हुआ है आप देखो ये हो गया मैं दिखा देती हूँ आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स केयरफुल रहना डेट्स को आया है ठीक है ना और रेट्स दे रखी हैं कैसे सम चलेगा वो देखो आप द बोरोवर बाइज अ कैप एंड सेल्स अ फ्लोर ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ टेन मिलियन डॉलर्स और हंड्रेड लैक ऑफ रुपीज सी प्लस एट सेवन मैंने ऑलरेडी बोला आपको एंड पी माइनस एट 4%. Here assume that strike rate of 7 and 4 include spread of 0.5% and has a libor of reset will should also be include the spread of 0.5% we add 0.5% to it. क्या लिखा है वो समझा रही थी आपको ध्यान देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझो अजम्पशन है। अज्यूम करो वी अज्यूम दैट The spread is inclusive in strike and hence it is a dirty rate. Okay. In order to compute पे ऑफ वी वुड एड स्प्रेड टू स्पॉट समझा मैं क्या बोल रही हूँ मतलब अगर आपने ये अज्यूम किया है गैस मैं जो सम्स करती हूँ मेरे हिसाब से उसमें मैं अज्यूम करती हूँ अब दिखाती हूँ आपको कि ये जो रेट्स आपके दिए हुए ना ये वाले ये जो रेट्स दिए हुए हैं ये रेट्स मैं फ्री रखती हूँ मतलब मैं अज़्यूम करती हूँ कि ये जो सेवन है और ये जो फोर है ये डटी रेट नहीं है मतलब ये सात और चार के अंदर में वो जो पॉइंट फाइव परसेंट का स्प्रेड बोला था ना ये वाला ये नहीं है तो अगर ये नहीं है तो मैं क्या करूँगी कि ये जो रेट्स से ना आपके सपोज़ ये वाला रेट लेती हूँ छः तो सिक्स को सेवन के साथ कंपेयर किया जाएगा पे ऑफ निकालने के लिए याद रखना ओके okay? और क्लीन रेट वुड बी अ क्लीन रेट टू कंप्यूट पे ऑफ़ अगर आप 0.5 ऐड करना चाहते हो तो छः को भी ऐड होगा और ये सात को भी ऐड होगा तो वापस से पे ऑफ तो सेम ही रह जाएगी तो दोनों का आप खुला रखो लेकिन मैंने जब ये सम किया ना अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू आप सोचोगे ना तो 7 पे आपने कॉल बाय किया है सी प्लस तो आपके सारे पे सारे लाइबॉर्ट्स पे आपका कॉल लैप्स कर जाएगा देखो ना छः सात से कम है पाँच पे लैप्स थ्री पॉइंट टू फाइव पे लैप्स सेवन पे लैप्स थ्री पॉइंट सेवन फाइव पे लैप्स और फोर पॉइंट टू फाइव पे भी लैप्स तो मैंने जब ये सम किया तो मैंने अपने जो मेरी जो जिस हिसाब से मैं हमेशा करती हूँ मैंने वैसे किया बट देन एक जगह पे मुझे जब मैंने सोल्यूशन देखा तो मैंने देखा सेवन वाले पार्ट पे पे ऑफ था और ये पे ऑफ़ तभी हो सकता है जब इन्होंने सात को सेवन पॉइंट फाइव या साढ़े सात बनाया हो उसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है ओके सो इंस्टीट्यूट ने दो सम अपने को दे रखे हैं मैं एक ही सम यहाँ पे ले पाई हूं बिकॉज इट्स अ रिविजन बैच एक सम में उन्होंने एजम्प्शन एक लिया है दूसरे में दूसरा लिया है मैं कुछ नहीं कर सकती आपको दोनों आने चाहिए आप एजम्पन लिख के और आगे बढ़ जाना ओके okay. तो ये सम में जैसे उन्होंने सोल्यूशन किया है मैं वैसे ही करवा रही हूँ आपको ओके okay. तो एक एजम्पन और क्या है वो देखो आप अजम्प्शन नंबर वन इस केस में अगर इंटरेस्ट कॉस्ट निकालना पड़ा तो आप 0.5 ऐड करोगे मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि दो मार्केट में आपका आपकी बिहेवियर चलेगी एक आपका चलेगा ऑप्शंस मार्केट में और एक चलेगा आपका कैश मार्केट में ओके okay? तो कैश मार्केट में तो वो जो स्पॉट के रेट होंगे ना वो स्पॉट के रेट में 0.5 सब में ऐड करना ही पड़ेगा आपको ब्याज निकालने के लिए बिकॉज कैश मार्केट में वो स्प्रेड आपके लिए एप्लीकेबल होगा तो आप उसमें ऐड करोगे ओके फॉर एग्जांपल अगर रेट फॉर एग्जांपल रेट लेते हैं अपन यहाँ पे पहली वाली रेट छः परसेंट है तो छः में आप पॉइंट फाइव ऐड करोगे और फिर ब्याज कैलकुलेट करोगे और लेकिन पे ऑफ में पे ऑफ़ निकालते समय आप सात माइनस छः करोगे अज्यूमिंग कि सात में स्प्रेड नहीं है तो छः में भी स्प्रेड ऐड मत करो पे ऑफ़ निकालने के लिए ओके और फिर दोनों का सेट ऑफ़ लेकर के आप नेट निकालोगे लेकिन अगर आपने ये अज्यूम कर लिया कि सात के अंदर और चार के अंदर पॉइंट फाइव है तो आपको पे ऑफ निकालने के लिए सारे स्पॉट में पॉइंट फाइव एड करना पड़ेगा वरना इट विल बी अ बिग मिसमैच लेकिन ब्याज निकालते समय आपको दोबारा पॉइंट फाइव एड नहीं करना पड़ेगा ओके okay? मैं ये बोल रही थी आपको सो लुक एट क्या क्या लिखा है वी दैट द स्प्रेड इज इंक्लूसिव इन स्ट्राइक एंड हेस इट इज अ डर्टी रेट इन ऑर्डर टू कंप्यूट पे ऑफ वी वुड एड स्प्रेड टू स्पॉट ऑप्शन नंबर टू वी अज्यूम That the spread is not inclusive in a strike, and hence we do not adjust it to spot. टू कंप्यूट पे ऑफ ये आप लिख लो आपके लिए अच्छा रहेगा राइट right? तो आप जब सम देखो दूसरा तो आप ये ध्यान रखना पॉइंट को आई एम गोइंग टू द सम नाउ नाउ एट हियर डेट दे रखिए मैंने डे काउंट लिया गाइस द सम हैज बिन डन एग्जैक्टली ऑन द लाइन्स ऑफ इंस्टीट्यूट सोल्यूशन बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गूफ अपट ऑल ओके डे काउंट लिया है ये 184 एटी कहाँ से आया वो बता देती हूँ मैं आपको ये 184 आया है यहाँ से देखो डेट क्या है ये जो डेट है ना जुलाई वन जुलाई वन से ले कर के अगर आप इकतीस बारह दो हजार तेरह तक करोगे तो 184 एटी फोर आएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ यहाँ पे 182 लिया है बिकॉज इट्स अ लीप ईयर ओके नाउ स्पॉट में ऐड किया मैंने बिकॉज उन्होंने किया है हाँ तो 6.5 परसेंट पे कॉल लैप्स हो जाएगा तो पे ऑफ ज़ीरो आ गई 7.5 परसेंट माइनस सेवन परसेंट ये पे ऑफ निकाला गया है राइट right? तो ये वैल्यू आती है आपके पे ऑफ की तो ये यहाँ पे दिया गया है पॉजिटिव पे ऑफ होगा बिकॉज आपने कैप या कॉल बाय किया है ये सारी रेट्स सेवन से कम है तो ये सारे लैप्स कर गए आप देखो यहाँ पे सारे लैप्स कर गए कॉल ओके नाउ पे ऑफ फॉर ये सी प्लस का पे ऑफ है और ये पी माइनस का पे ऑफ है ओके पी माइनस के पे ऑफ़ में जो रेट आपकी है फोर की ओके okay, तो फोर के ऊपर सारा लैप्स फोर के नीचे एक्सरसाइज होगा तो ये इस पर भी लैप्स होगा सिक्स पॉइंट फाइव पे लैप्स सेवन पॉइंट फाइव पे लैप्स फाइव पॉइंट फाइव पे लैप्स फोर पॉइंट टू फाइव पे भी लैप्स थ्री पॉइंट सेवन फाइव पे एक्सरसाइज होगा तो आप देखो यहाँ पे फोर माइनस ई माइनस एस किया हुआ है निकाला गया है बट ये नेगेटिव आया है बिकॉज आपने पी माइनस किया है ओके okay? अब इंटरेस्ट कॉस्ट निकालते हैं तो कैसे निकाला इंटरेस्ट कॉस्ट कितने का लोन है आपका बेसिकली uh, कैसे निकाला है पता है क्या हंड्रेड लाख रुपीस हंड्रेड लाख रुपीस इंटू सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट ये जो रेट लिया मैंने इन टू वन एटी फोर डिवाइड बाई सिक्सटी फाइव करके रेट लिया है तो थ्री टू सेवन सिक्स सेवन पॉइंट टू थ्री इसी तरह से करके ये सारा निकाला गया है फिर से एक और करके दिखाती हूँ हंड्रेड लैख इंटू सेवन पॉइंट फाइव परसेंट इन वन एटी वन डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइव करते हैं तो वापस ये से आंसर सेम आ जाता है जो यहाँ लिखा हुआ है उसके बाद ये तीनों कॉलम को हम लोग क्या करेंगे नेट करेंगे ये ये और ये तो आपके ये कॉलम में आउटफ्लो आ जाएंगे गायस और ये पूरे को टोटल किया गया है ये पूरे को टोटल किया गया है टोटल करने के बाद ये जो टोटल डेज है ना इसे डिवाइड किया तो डिवाइड करने से क्या होगा पर डे का ब्याज आया उसको आप तो से मल्टीप्लाई करोगे तो साल का ब्याज आएगा अब ये जो साल का ब्याज है वो रेट निकालोगे आप तो 5.33%, पॉइंट डबल थ्री परसेंट वन डिवाइड बाई टेन मिलियन पाउंड्स इंटू तो 5.33, या फिर इसको आप डायरेक्टली से डिवाइड करो तो भी आंसर 5.33% पॉइंट थ्री थ्री परसेंट है ओके? है ओके दिस इज अबाउट द कैप फ्लोर एंड सम किसी भी हालत में आपका कॉस्ट बेसिकली जो रेट आपकी कॉल की है ओके okay? सात से ज़्यादा या चार से नीचे नहीं जाएगा ये याद रखना आप ओके थैंक यू सो मच एंड आई थिंक यू लाइक डेरिवेटिव्स इवज़ अलॉट